بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पार्टिसिपेंट्स, आपसे एक प्रॉमिस किया था कि डर्मा भी मैं कराऊंगा, ठीक, और एक कार्डियोवैस्कुलर, तो इंशाल्लाह आज डर्मा कर लेते हैं या अभी कर लेते हैं, टाइम मिला तो कार्डियोवैस्कुलर भी कर लेते हैं, नहीं मिला तो फिर उसको बाद में कर लेंगे। डर्माटोलॉजी का सेशन जो हमारा है ना प्रोफेसर तारिक जमान का, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल में है, उसमें इन डेप्थ चीज़ें कवर हुई हैं। उस पार्टिसिपेंट का ये ख्याल था कि ज़रा सी हमें डिफ्रेंशिएट करना आ जाए या मोटी मोटी बातें हों फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैंने ये सेकंड सेशन अरेंज किया हुआ है। ये बिल्कुल जो प्रोफेसर तारिक जमान का लेक्चर है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, ताकि आपको चीज़ें ज़रा और क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये पिक्चर्स पे बेस्ड है, पिक्चर्स हैं एंड देन उसके बाद से डिस्क्रिप्शन है। तो लेट्स स्टार्ट बाय फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर। ये एक पेशेंट है आपके पास आया है विद लीजन ऑन द फेस, ठीक है, इस पर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? इफ यू लुक एट देयर आर दिस इन्फ्लेमेटरी एरियाज हैं, थोड़े से रेज्ड हैं सो दे आर नोड्यूल्स, और कुछ यो पस वाले पॉइंट्स भी हैं अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक, एंड प्लस यहाँ पे ये ब्लैक डॉट्स भी हैं, ब्लैक हेड्स, ठीक। सो इट्स वन ऑफ द इजी प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजीज, कॉमन इन टीनेजर्स, हर कोई इजी पकड़ लेता है, ठीक। सो इट इज एक्ने, ठीक। निशानियाँ क्या थी इस एक्ने की? कि देयर वर ब्लैक हेड्स, जो ब्लैक कॉमेडोन्स हैं, इसको ओपन कॉमेडोन्स भी कहते हैं, देयर वर पस्टुल्स, एरिडीमा, नोड्यूल्स, ठीक है, और ये चीक के एरिया पे हैं, यूजली इन एक्ने के चेस्ट पे भी हो सकते हैं, बैक पे भी हो सकते हैं ये पस्टुल्स एंड नोड्यूल्स, ठीक। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्ने होती किस तरह से, अगर आप सिंपल देखिए, दे स्किन पे ना सीबम, द ऑयल या द जो ल्यूब्रिकेंट हमारे चेहरे पे आता है, सिक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक, और वो बालों की जो हेयर फॉलिकल्स उसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं पाइलो सेबेशियस कॉम्प्लेक्स, ठीक, जिसमें पाइलो मीन्स हेयर, सेबेशियस सेबेशियस, तो यहाँ से निकलते रहते हैं। आम तौर पर जब ये ज़्यादा होते हैं ना, तो ऑयली स्किन, ठीक, और टर्न ओवर जब ज़्यादा होती है, प्रोड्यूस मोर केराटिन डेब्रिस, वो तो वो प्लग हो जाते हैं, एंड प्लग होने के बाद देन देयर इन्फ्लेमेशन और फिर देन इन्फेक्शन, ठीक है, जिससे होता है ये कि पहले आपको छोटे से ब्लैक वाइट हेड या ब्लैक हेड नज़र आएंगे, फिर छोटे नोड्यूल हैं, फिर वो रेड हो जाते हैं, एंड देन पस गैदर्स, ठीक, समटाइम देयर रप्चर, रप्चर होने के बाद ये दाने ना जिसको पस वगैरह स्किन के नीचे चली जाती है, इसलिए हम एक्ने वालों को हमेशा कहते हैं कि जो आपके दाने हैं इनको ना तोड़ो, ठीक, इनको प्रेशर मत दो, प्रेशर से ना नीचे लीक हो जाते हैं स्किन के अंदर, दे प्रोड्यूस स्कार, ये डीप होते हैं ना, स्कार प्रोड्यूस करते हैं, दाने आपने देखा होगा लोगों के रह जाते हैं। तो वन ऑफ द एजुकेशन पॉइंट इज डोंट ब्रेक द पिंपल्स, ठीक। जो जो ऊपर पिक्चर्स आपको नजर आ रही है ना, अगर आप इसको देखें, ये हेयर है, हेयर फॉलिकल्स, ये रूट ऑफ द हेयर, ये सीबेशियस ग्लैंड है, ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ इस एरिया पे ब्लॉकेज है सीबेशियस ग्लैंड के साथ, तो ब्लॉकेज यहाँ पे है केराटिन एंड डेब्रिस की, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है, ओपन कोमिडोन्स, ये काले नजर आते हैं, जैसे कुआं काला नजर आता है ना, तो ये ओपन कोमिडोन काले नजर आते हैं जी। दूसरी जो पिक्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर वाले लेवल पे है, ठीक है, क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे सिक्रीशन होती है, ये वाइट हेड नजर आते हैं, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड बोथ मीन द सेम थिंग, ठीक, उसमें आप फर्क नहीं पड़ता उसे। अगेन जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया वो यही बता रहे हैं कि केराटिन प्लग्स वगैरह आ जाते हैं, सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन, द सीबम गैदर्स, फिर वो स्वेलिंग बनती है, ठीक है, देन इन्फ्लेमेशन एंड देन इन्फेक्शन एंड पस, तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्ने हैं। अब ठीक कैसे करते हैं इसको इलाज? इलाज बड़ा आसान सा है, पहले तो बोलिए साबुन से चेहरा धो लिया करो, जो सीबम है, जो ऑयल है, सारा ये हट जाएगा, 3 दफ़ा धोना है और सादा, किसी भी सादा साबुन से धोना है, जो ऑयली सोप्स होते हैं लाइक डव, उनसे नहीं, कोई भी रेगुलर सोप सब चलेगा, फेस वॉश यूज़ करने हैं वो भी चलेगा, ठीक, लाइफ बॉय साबुन भी चलेगा, ठीक। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सा साबुन हमें चाहिए,
नंबर टू, ऑयली मेकअप या ऑयली चीज़ें चेहरे पे नहीं लगाते. अब ख्वातीन का चेहरा है और मेकअप के बगैर कैसे हो सकता है. जब वो कोई भी ऑयली बेस या फाउंडेशन या कोई करते हैं तो कहते हैं जब आ जाओ तो फौरन धो लेना इसको साबुन से अच्छी तरह से. ठीक, ये निशानी होती इसकी. देन कम्स कि आप अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप समझ लें तो इलाज आसान होता है. ठीक, हमने ये देखा कि जो सुराख है ना पोर्स, उसमें केराटिन और डेब्रिस ये जम जाते हैं, तो केराटिन को तोड़ के ना इसको हम साफ कर सकते हैं. सो एक कोई चीज़ हमें चाहिए होगी केराटिन प्लग्स को हटाने के लिए. नंबर टू, हमें पता है इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की दवाई चाहिए. इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की दवाई चाहिए. ठीक, तो ये तीन चार पैथोफिजियोलॉजी है, उसको हम रोकेंगे कैसे. लेट्स स्टार्ट. ये चेहरा तीन दफ़ा धोना है, ठीक है, ताकि ऑयल हट जाए. नंबर टू, मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयली चीज़ों का. सॉरी. फिर आ जाते हैं जो केराटिन प्लग्स हैं उनको हटाने के लिए, वी हैव टू ऑप्शंस, बेंजाइल परऑक्साइड या एजेलिक एसिड, दोनों रात को लगाई जाती है. ठीक, वो आप दोनों के यूज़ कर सकते हैं. बेंजाइल परऑक्साइड जो है ब्रेवोक्सिल के नाम से मिलती है, एजेलिक एसिड जो स्किनोरिन के नाम से है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर एंटीबायोटिक्स हम टॉपिकल तो लाजमी लगाते हैं, अगर पस्चूज हैं, नोड्यूल्स एंड पस्चूज हैं तो ओरल भी खिलानी पड़ेगी. ठीक, अगर कोमिडोन्स है, माइल्ड एक्नी है ना शुरू शुरू की, तो टॉपिकल भी एंटीबायोटिक काफ़ी होती है, विच इज़ क्लिंडामाइसिन. ठीक, और अगर वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है फिर हम ओरल खिलाते हैं. वी हैव टू ऑप्शंस, क्योंकि जो जो ऑर्गेनिज्म है ना जर्म, प्रोपाइनी बैक्टीरियम एक्नीस, वो ज़रा एटिपिकल सा है. तो एटिपिकल का हमें पता है, एटिपिकल पे मैक्रोलाइड्स या डॉक्सिस टेट्रासाइक्लिन कम करते हैं. ठीक, सो डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन आर टू गुड चॉइसेस. इनका तरीका भी ज़रा समझ लें, कब तक देना है, किस डोज में देना है. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनिए. जो इनिशियल जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है ना, वी गिव एंटीबायोटिक्स एट थेरापूटिक डोज, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे. सही, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वंस अ डे, थेरापूटिक डोज. उस वक्त तक थेरापूटिक डोज चलेगी जब तक कि नोड्यूल्स एंड पस्चूल्स सेटल नहीं हो जाते. जब इन्फेक्शन खत्म हो गया फिर इसकी डोज कम हो जाती है. देन द प्रोफाइलैक्टिक डोज स्टार्ट्स, एंड द प्रोफाइलैक्सिस मीन्स वी वॉन्ट टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीजन्स. क्योंकि हर लीजन के पास स्कारिंग का खतरा होता है, तो हम कहते हैं यार प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक चलाते जाओ, एंड द डोज रिड्यूसेस टू हाफ. ठीक, और हाफ से भी कम जा सकती है. डॉक्सीसाइक्लिन शुरू में हम ट्वाइस अ डे दिया था, अब वंस अ डे कर देंगे, मे बी 3 months, 4 months, 6 months, 1 year प्रोफाइलैक्टिक डोज चलती रहती है. एजिथ्रोमाइसिन ये भी 500 शुरू में दिया, जब दाने खत्म हो गए तो हमने 250 कर दिया वंस अ डे, और बेहतर रही तो 250 अल्टरनेट डे भी कुछ लोग देते हैं ताकि लो डोज चलती रहे. ठीक, और दाने ना निकले, और जब दाने निकल आते हैं बीच में, फर्ज प्रोफाइलिस के दौरान और दाने निकल रहे हैं, तो देन जंप टू द हायर डोज, थेरेपोटिक डोज. डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम वंस अ डे, उस पर वापस शिफ्ट हो जाए और देते रहें जब तक दाने सेटल ना हो जाए. जब सेटल हो गए देन ब्रिंग द डोज डाउन टू प्रोफाइलैक्टिक डोज विच इज ऑलमोस्ट हाफ, फिर वो चलाते जाए. ठीक, एजिथ्रोमाइसिन 3 months, 6 months तक चल पड़ती है, 3 months भी काफ़ी होते हैं इसके लिए. एंटी इन्फ्लेमेटरी रेटिनॉइड्स, जब नोड्यूल्स होंगे विच आर इन्फ्लेमेटरी, तो टॉपिकल रेटिनॉइड्स हम देते हैं. एज फैमिली फिजिशियंस वी कैन राइट टॉपिकल रेटिनॉइड्स, ओरल नहीं. ठीक है, सो जस्ट इन समरी, तीन पैथोफिजियोलॉजी है. केराटिन को अपने हटाना है, जिसमें केराटोलिटिक्स हैं, बेंजाइल परऑक्साइड एंड एजेलिक एसिड. जरासीम से मुकाबला करना है टॉपिकल क्लिंडामाइसिन, और इफ देयर आर बिग लीजंस एंड पस्चूज तो ओरल. ओरल में टू चॉइसेस हैं, एजिथ्रोमाइसिस एंड डॉक्सीसाइक्लिन. फिर इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए रेटिनॉइड्स हैं टॉपिकल, और कुछ कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल होती हैं जिसमें ये एंटीबायोटिक या रेटिनॉइड्स और चीज़ें होती हैं, यू कैन यूज देम. आगे चलिए. सोप तो हो गए. ठीक, अच्छा, और जो आइसोट्रेटिनोइन है ना, सही, वो जो है ना एस जी पी हम नहीं देते. जैसे टॉक्सिक ड्रग्स, अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, एक्सपेंसिव ड्रग, वो सिर्फ रेजिस्टेंट सिवियर एक्नी के लिए होती है.
एंड वी रेफर पेशेंट्स फॉर दिस ट्रीटमेंट. हम नहीं देते, ठीक, ओरल की अपनी तरफ से कोशिश मत कीजिएगा. हाँ वैसे मजे की चीज बताओ, सॉरी मैं सिर्फ पानी में लेता हूँ एक मिनट. एक्नी वल्गैरिस होती क्या है? जब भी हम किसी से पूछते हैं वल्गैरिस, तो हमें इंग्लिश का वल्गर याद आ जाता है ना, वल्गर, बड़ा वल्गर किस्म का, वाह या तो फहश किस्म का. नहीं नहीं, वल्गैरिस लैटिन में कॉमन एक्नी, कॉमन आम एक्नी, ठीक है, कोई आम सी बीमारी है, वल्गैरिस वल्गर नहीं है. चलिए, सो नेक्स्ट डिजीज विच रिजेंबल्स एक्नी इज अनदर डिजीज हेयर. ये आपको देखेंगे रेडनेस तो है उसी एक्नी वाले एरियाज पे, चीक पे और चिन्स पे, नोज इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, प्लस यहाँ पे एरिडीमा है. अगर करीब से देखें देयर आर टी लेंजेक्टेजिया, डायलेटेड कैपिलरीज, ठीक. सो इसका फर्क क्या है? दे मे बी स्मॉल नोड्यूल्स पस्टुल्स, बट बेसलाइन एरिडीमा ज्यादा है, नोज इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, ठीक है. और इस रैश का जो एक्नी की तरह दिखता है पर एक्नी नहीं है, इज ऑल्सो फोटो सेंसिटिव, धूप से इसको रैश बढ़ता है, खाने पीने की चीजों से, मिर्च मसालों से, गर्म चीजें, फ्लूड्स वगैरह खाने से, तो फूड के साथ इसका वो है. लोग एक्नी को समझते हैं, एक्नी का फूड के साथ रिलेशन अभी प्रूव नहीं हुआ. रोजेशिया का, ओए हे मुंह से निकल गया, सॉरी रोजेशिया, ठीक है, सस्पेंस ही खत्म कर दिया मैंने. तो रोजेशिया एक्नी लाइक कंडीशन, बट देयर इज बेसलाइन एरिडीमा, देयर आर टी लेंजेक्टेजिया, मे बी स्मॉल नोड्यूल इन पस्टुल्स, लेकिन इट इज नॉट एक्नी, मिलती जुलती कंडीशन है, ठीक है. तो रोजेशिया में एरिडीमा होता है, 3 महीने से ज्यादा तक एरिडीमा फुल रेडनेस है, टी लेंजेक्टेजिया या डायलेटेड कैपिलरीज होती है, छोटे टुकड़ों में पस्टुल्स और नोड्यूल्स भी बन सकते हैं, स्ट्रेस से भी बढ़ता है, फूड, स्पाइसी फूड, अल्कोहल, इन चीजों से इसका ताल्लुक है, ठीक, अल्कोहल से रोजेशिया बढ़ता है, याद रखिए. इसकी भी मोर और लेस एक्नी की तरह ही ट्रीटमेंट है, इसमें ऑयल नहीं होता, धोने की जरूरत नहीं है, उसकी बजाय ये फोटो सेंसिटिव होता है ना, तो सन ब्लॉक लगा लिया करें. सन ब्लॉक की मुख्तलिफ होती है ना, SPF, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है ना, तो प्रोटेक्टिव फैक्टर को देखिए कम से कम 60% को रोकने वाली जो है अच्छे में आते हैं, 80 भी होते हैं, लेकिन 60% इज एडिक्वेट फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. सनब्लॉक लगाएं ताकि ये बढ़े नहीं, ठीक. जिन खाने पीने की चीज़ों से ये बढ़ता है तो उसे अवॉइड करें, पेशेंट को पता होता है मैं ये खाता हूँ तो ये बढ़ता है, अवॉइड करवाइए. रेडनेस ज़्यादा होती है, कभी बुरा लगता है, तो जो मेकअप की कुछ क्रीम्स होती हैं उनसे वो कैमोफ्लाज करके फिर आप अपना मेकअप वगैरह भी कर सकते हैं, रेडनेस छुपा सकते हैं इसकी. और अगर बहुत ज़्यादा डायलेटेड वेसल्स हैं, बुरा लग रहा है, तो फिर लेज़र से ना कोगुलेशन करके उनको ख़त्म भी कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं टू कॉस्मेटोलॉजिस्ट. दिस वन कॉम्प्लिकेशन, नोज के अंदर हाइपरट्रॉफी एंड फाइब्रोसिस होती है, नाक बड़ी हो जाती है, कहते हैं राइनोफाइमा, एंड दैट्स वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, उस पर हम रेफर करते हैं, खुद से कोई ट्रीट करने की कोशिश नहीं करते, ठीक. हम क्या ट्रीट कर सकते हैं रोजेशिया में? फाइन, वी कैन ट्रीट विथ टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल. ये क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, आप लगाते हैं वन टाइम या ट्वाइस, टू टाइम्स लगाते हैं रात को, ये सब चीजें कोशिश की कर रात को लगा ले. फोटो सेंसिटिविटी में ना क्रीम लगा के धूप में जाएंगे प्रॉब्लम बढ़ती है, तो रात को ही लगा लिया करें, सुबह धो लिया करें. टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल इज इनफ. अगर दाने पस्टुल्स वगैरह हो, जस्ट लाइक एक्नी यू कैन गिव टेट्रासाइक्लिंस, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, उसी तरह से शुरू में ज्यादा दें थेरेप्यूटिक डोज ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन, देन रिड्यूस इट टू प्रोफाइलैक्टिक डोज, ठीक, तो आप इसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं. बल्कि बुक्स में ओरल मेट्रोनिडाजोल का असर नहीं लिखा हुआ. ऐसे तो पेशेंट था मेरा इस रोजेशिया वाला, डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा हुआ था, ही वाज नॉट इम्प्रूविंग, फिर मेरे पास आया तो टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल भी लिखी, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, ओरल डॉक्सीसाइक्लिन से भी नहीं था. फिर जस्ट मैंने कहा यार एक लड़का है, ठीक नहीं हो रहा, नोज पे भी है इस पर, देन आई ट्राइड ओरल मेट्रोनिडाजोल फॉर 2 वीक्स टाइम, उसके बहुत अच्छा रिजल्ट आया. बट स्टडी लिटरेचर उसमें इतना रोल नहीं था, मुझे नहीं मिला कि ओरल मेट्रोनिडाजोल दें, मुंह का जायका खराब होता है, बट फॉर दैट पेशेंट, यंग पेशेंट, इट वर्क्ड.
ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी ट्राई करें, बिकॉज इट इज नॉट इन द बुक, देयर इज नो एविडेंस. लेकिन एक जब मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था, ही वॉज अपसेट, ही वॉज ट्रीटेड बाई मेनी डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैंने कहते हैं ना मरता क्या ना करता, बट देन आई ट्राइड ओरल, तो उसको फायदा हुआ. ठीक, अभी तक मेरे ट्रीटमेंट में है वो पेशेंट, अब इज फाइन माशाल्लाह. तो अब टॉपिकल मेट्रोनिडाजोल पे, सो दिस इज अ कंडीशन जिसको हम कहते हैं वराइनोफाइमा, हाइपरट्रॉफी, डिसफिगर्ड नोज, इसको हम रेफर करते हैं. Another facial rash, हाँ मैं आपको चेहरे के रैश दिखा रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें. Here the boundaries are clear, light color, purplish rash है, ठीक है, और female में है, middle age की है, there may be joint pains, there may be shortness of breath, palpitation, hair loss, mouth ulcers, SLE वाली, ठीक. So SLE has also caused butterfly rash, mylar rash जिसको कहते हैं, ठीक. Again SLE ऐसी डिजीज है जो हम रेफर करते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, हम रेफर करते हैं इसको. और अगर इसके सिर्फ रैश के लिए आए कि मुझे क्या करना है, तो क्योंकि वी नो इट इज एन ऑटोइम्यून कंडीशन, तो माइल्ड स्टीरॉयड, माइल्ड मीन्स हाइड्रोकॉर्टिसोन, उससे ऊपर नहीं, ठीक. क्योंकि आंखें भी बहुत करीब हैं, स्टीरॉयड अगर चेहरे पर लगाते हैं उसका असर आंखों में आता है, कैटरेक्ट एंड ग्लॉकोमा, और थोड़ी अरसे के लिए लगाएंगे, बेहतर हम बोलेंगे यार सनब्लॉक लगाइए, धूप की उससे बने बचें, इस फोटो सेंसिटिविटी भी होती है, और एसएलई का इलाज करवाएं. एसएलई का इलाज करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, ठीक. और अगर फॉर एग्जांपल और कुछ नहीं है, तो सिंपल मैलार रैश ऑफ एसएलई और बाकी सब ठीक है, तो वी कैन यूज दी माइल्डेस्ट एंटी रूमेटिक ड्रग या एंटी एसएलई ड्रग, दैट इज एंटी मलेरियल, HCQ, ठीक, ये प्लाक्वानिल, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है जो कोरोना में बड़ी इस्तेमाल हुई, ठीक, तो इट कैन बी यूज्ड, सो इट्स एन गुड एंटी रोमैटिक ड्रग, अब वो फिर दे सकते हैं. अगेन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, क्लोरोक्विन हो, वो स्किन को हाइपर सेंसिटिव करते हैं धूप के लिए, वरना स्किन डार्क हो जाती है, काली हो जाती है, तो ये एहतियात जरूर बताएंगे कि धूप से बचें, पी कैप लगा लें, सन ब्लॉक लगा लें जब एंटी मलेरियल खा रहे हो. सो इन समरी, SLE patient we refer to rheumatologist. अगर किसी वजह से आ जाए कि नहीं मेरे सिर्फ रैश का इलाज कर दें, तो माइल्डेस्ट स्टीरॉयड विच इज 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन वो दे दें, और अगर उसको रोकना हो तो माइल्डेस्ट एंटी रोमैटिक ड्रग विच इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200 मिलीग्राम वंस अ डे आप दे सकते हैं, ठीक. और सन एक्सपोजर रोकना होगा बाय अवॉइडिंग कैप्स, हैट्स एंड सन ब्लॉक. ये क्या कंडीशन है, ठीक, दिस इज इन बिटवीन द टोज, देयर इज मैसरेटेड एरिया, मार्जिन्स हैं, स्लफ है, वाइट वाइट सी, ठीक है, तो बिटवीन द टोज वेरी इजी टू डिटेक्ट, कहते हैं इसको टीनिया पेडिस, ठीक है, फुट इन्फेक्शन है ऑफ फंगस. अब इसमें क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक, बंद आमतौर पर बंद जूतों में लोग वजू करते हैं, उंगलियों के दरमियान नमी होती है, बंद जूते होते हैं सारा दिन, हम भी सारे ऐसे ही, हमारे भी कई दफ़ा निकलता है वो, तो उसको बोलते हैं यार खुले जूते पहनो ताकि उंगलियाँ खुली हो. बहुत से लोग इसके अंदर टिश्यू या कॉटन रखते हैं, सो दैट एयर गोज इन, ड्राई हो जाइए, ठीक है. ऑक्लूसिव शूज नहीं पहनते, खुले चीज़ें पहनते हैं, उसको वजू के बाद टिश्यू से खुश कर लिया करें, और बार बार होता हो तो स्क्रीन फॉर डायबिटीज इन ऑल फंगल इन्फेक्शंस. All fungal infections, always think of diabetes or immunosuppression. तो फिर diabetes की screening हो करनी पड़ती है हमें. अब treatment क्या करेंगे? Again, tinea pedis है. It's one of the difficult fungal infections. जल्दी नहीं ठीक होते. नाखून के सबसे डीट होते हैं. तो tinea pedis भी डीट होता है. ठीक. आमतौर पर trunk पे we give 2 weeks of anti fungal. और toes वगैरह में फिर हमें 4 weeks, 6 weeks देना पड़ता है, ठीक, तो लंबा कोर्स होता है इसका. तो वी विल अप्लाई टॉपिकल एंटी फंगल्स, कोई भी अब लगा दें, ठीक है, जो ओजोल ग्रुप्स है ना, क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, ये जोल वाले जितने भी एंटी फंगल्स हैं, ठीक, यू कैन यूज देम, ठीक. साथ में अगर टर्बिनाफिन के टॉपिकल है वो लगा दें, और लगाते ही जरा 6 वीक्स तक आप लगा सकते हैं. और चूंकि सिर्फ टॉपिकल से आमतौर पर ठीक नहीं होता,
ठीक है, इसमें ये ढीट होता है, अगर ठीक ना हो तो यू कैन गिव ओरल, ओरल भी फिर लंबी अरसे देनी पड़ती है, 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक। तो वही टर्बिनाफिन, लैमिसिल, ट्रंक वगैरह के लिए हम 2 वीक्स देते हैं, इसके लिए फिर अगेन 4 वीक्स या 6 वीक्स देंगे। हाइड्रोकोनाजोल जो स्पोरोनॉक्स है 100 mg वंस अ डे फॉर 1 मंथ यानी 4 वीक्स, और अगर द सेकेंड डोज इज इंक्रीज डबलिंग द डोज रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन। हाइड्रोकोनाजोल की अगर डोज डबल कर दें तो आप ड्यूरेशन को छोटा कर सकते हैं, बट बिकम्स वेरी टॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक होती है, टॉयलेट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एज अ फैमिली फिजिशियन वी विल गो स्लो 100 mg वंस अ डे फॉर 4 वीक्स। टर्बिनाफिन ओरल, लैमिसिल 250 mg 1 टैबलेट और 125 mg की 2 गोलियां वंस अ डे फॉर अप टू 6 वीक्स। एक चीज याद रखने वाली है जो वो है फ्लूकोनाजोल, ये कंपनीज बड़ा प्रमोट करती हैं कि इट गुड फॉर स्किन इन्फेक्शंस, वंस अ वीक है, ठीक। जो फ्लूकोनाजोल है दैट इज मोर स्पेसिफिक फॉर कैंडिडा, ओरल कैंडिडाइसिस, विजाइनल कैंडिडाइसिस, या इंट्राट्रिगो होता है, जब कैंडिडा इंट्राट्रिगो होता है ना गीले गीले हाथों के अंदर, या ब्रेस्ट के नीचे इंट्राट्रिगो, वहां पे दे सकते हैं। फॉर स्किन इन्फेक्शंस जो डर्मेटोफाइट्स के होते हैं उसके लिए नहीं होती, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगेन ये एक पिक्चर है, लुक्स लाइक अ स्किन कंडीशन के बेस ऑफ फर्स्ट टार्सल या मेटाटार्सल, मेटाटार्सल जॉइंट जो है वहां पे सडन ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग एंड रेडनेस है। लोग समझते स्किन की कंडीशन है, मुझे किसी कीड़े ने काट लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स गाउट, इट इज क्रिस्टल ऑर्थ्रोपैथी, इज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट एंड इन्फ्लेमेशन, इसको गाउट के तौर पर ट्रीट करते हैं ना, इज नॉट अ स्किन कंडीशन। दिस अगेन अ सिमिलर कंडीशन, रेडनेस ऑन द स्किन, ठीक। अब ये देखिए, अब इस रेडनेस को गौर से देखिए, मार्जिन्स आर विजिबल एंड देयर इज वन एंट्री पॉइंट, यहाँ पे ब्लैक निशान आपको नजर आ रहा है, एंड दिस रेडनेस इज वेरी मच रेड, ज्यादा इन्फ्लेम लग रहा है, ठीक। वो इसलिए नहीं लग रहा कि इन्फेक्शन ज्यादा है, ये इसलिए ज्यादा रेड लग रहा है बिकॉज इट इज सुपरफिशियल, ठीक। दूसरी निशानी सुपरफिशियल की, द मार्जिन्स बिकम वेरी क्लियर, ठीक। तो निशानी ये है, इट इज इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, नॉट ऑन टॉप ऑफ द स्किन, इनसाइड द स्किन बट नॉट वेरी डीप, ठीक, एंड दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग रेड एंड द मार्जिन्स आर क्लियरली विजिबल एंड देयर इज एन एंट्री पॉइंट देयर, ठीक। इसको कहते हैं, ठीक है, एरिसिपेलास। एरिसिपेलास इज टेक्निकली अ सेलुलाइटिस बट वेरी सुपरफिशियल, ठीक। तो एक चीज बस, स्किन की जितने इन्फेक्शंस हैं, स्किन इज सॉफ्ट टिश्यू, चाहे नेल हो, चाहे हेयर फॉलिकल्स हो, फॉलिकुलाइटिस हो, कार्बंकल हो, एम्पिटाइगो हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, एरिसिपेलास हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू की एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इज क्लोक्सासिलिन, अल्टरनेट इज कोअमोक्सिक्लेव अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक। और क्लोक्सासिलिन कोअमोक्सिक्लेव का अल्टरनेट इज सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, सेफेलेक्सिन, ठीक, ये वाला जरूर दें, ठीक। और अगर नहीं होता तो मैक्रोलाइड्स यूज हो सकते हैं, ठीक। हमें याद होगा आपको एरिथ्रोमाइसिन को पेनिसिलिन का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, ठीक। सो मैक्रोलाइड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट फर्स्ट चॉइस इज क्लोक्सासिलिन और ऑगमेंटिन, सेकेंड नंबर पे सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, नॉट द फर्स्ट वंस। और इसकी कोर्स भी 3 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन होता है, यू लुक एट द इन्फेक्शन, एज सून एज इट सेटल्स यू स्टॉप। अच्छा, अब यहाँ क्या कंडीशन है, अगेन हेयर यू आर सीइंग अनदर रेड फुट, दिस टाइम द रेडनेस इज नॉट दैट मच, जैसे हल्की है, एंड मार्जिन्स आर नॉट वेल डिमार्केटेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, इट इज अगेन इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, इट इज कॉल्ड सेलुलाइटिस, ठीक। और इस सेलुलाइटिस थोड़े डीप सेलुलाइटिस, जो एक्चुअल सेलुलाइटिस है वो है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट दैट रेड एंड द मार्जिन्स आर डिफ्यूज, ये सेलुलाइटिस होता है, ठीक। उसको कैसे ट्रीट करते हैं, अगेन इज एन इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, वही एंटीबायोटिक जो स्किन में यूज होती है, क्लोक्सासिलिन, ऑगमेंटिन, ठीक, वो दे। अल्टरनेट इज अगेन
सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरिंस लाइक सेफलेक्सिन या मैक्रोलाइड, ठीक है, इससे ठीक हो जाते हैं। अगेन दिस इज एन लीजन ऑन द स्कैल्प, ये जो बाल नजर आ रहे हैं स्कैल्प के हैं, राउंड है और वहां से बाल टूटे हुए हैं, दिस इज रेड स्पंजी स्वेलिंग, उससे पस निकल रही है, ठीक है, सॉफ्ट स्पंजी अजीब सी फीलिंग होती है अगर आप टच करें तो, ठीक। इट्स वन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, ठीक है, टीनिया कैपिटिस, उसकी वेराइटी होती है, इसको कहते हैं कीरियन। आमतौर पर टीनिया कैपिटिस ड्राई से लीजन होते हैं, पर समटाइम्स इट गेट्स पुरुलेंट पसी लीजन, उसको कहते हैं कीरियन, KERION, कीरियन, ठीक। ट्रीटमेंट सेम होती है तमाम की टीनिया कैपिटिस की, उस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये पसी है इसकी स्कारिंग ज्यादा होती है, फिर वहां बाल नहीं आते, ठीक, तो ये जरा खतरनाक होती है, इसलिए हम कहते हैं जल्दी ट्रीट करें इसको। सो दिस इज अगेन अ पिक्चर ऑफ टीनिया कैपिटिस, दिस इज द अदर वेराइटी, कॉमन वेराइटी, छोटे छोटे एरियाज हैं, एंड इफ यू लुक क्लोजली देर आर ब्रोकन हेयर स्टम्प्स, जैसे गंदम की फसल काटते हैं ना, नीचे थोड़े थोड़े स्टम्प डंडे रह जाते हैं, इसी तरह से बाल ऊपर से छोटे छोटे उसके बाल के डॉट्स की तरह नजर आते हैं, बिल्कुल चटियल मैदान नहीं होता, ठीक है, ऑलवेज देयर स्लाइट रफनेस और ब्रोकन हेयर फॉलिकल्स, ठीक। तो ये भी टीनिया कैपिटिस है। सो लेट्स सी हाउ की टीनिया कैपिटिस इज ट्रीटेड। तो टीनिया कैपिटिस अगेन अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, हमें पता है टॉपिकल एंटी फंगल लगानी पड़ेगी, ठीक, सही, हम ये लगा देंगे, और इस सिर्फ टॉपिकल से नहीं ठीक होगा, ओरल देनी पड़ेगी, ठीक। ओरल में हम क्या देंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन एटरबिनाफिन, दो अवेलेबल है हमारे पास। अगेन इसकी ड्यूरेशन भी नॉर्मल जो ट्रंक पे 2 वीक्स है ना, उससे डबल है, 4 वीक्स। टर्बिनाफिन 250 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 4 वीक्स, हाइड्रोकोर्टिसोन 100 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 4 वीक्स, ये दें, साथ में टॉपिकल एंटी फंगल लगाइए, ठीक। एक चीज है, इसमें हम माइल्ड स्टीरॉयड भी देते हैं टीना कैपिटिस में, ताकि स्कारिंग ना हो, स्कारिंग के बाद भी बाल नहीं आते ना, स्कारिंग नहीं होगी तो बाल वापस आ जाते हैं। और क्या चीजें हो सकती हैं, फंगस फैल सकता है, तो कीटोकोनाजोल शैम्पूज होती हैं, ठीक, निजुराल शैम्पू ये यूज कर सकते हैं वंस अ वीक, और खुश्की दूर करने के लिए सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू, ये पता है कौन से होते हैं सेलेनियम सल्फाइड शैम्पूज, जी एंटी डेंड्रफ शैम्पूज लाइक सेल्सन ब्लू, सॉरी हेड एंड शोल्डर्स का नहीं आता इश्तिहार, करीना कपूर के बाल होते हैं उसमें, खुश्की दूर होती है। द नॉर्मल एंटी डेंड्रफ शैम्पूज कंटेन्स 1% ऑफ सेलेनियम सल्फाइड, ठीक है, और जो दूसरे हैं ना जिसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है सेल्सन येलो, छोटी सी बॉटल होती है सेल्सन येलो, नहीं उसके अंदर 2.5% होता है, ठीक, इट्स मोर कंसंट्रेटेड, यू कैन यूज दैट। सर में बालों में खुश्की हो, यू कैन यूज सेल्सन येलो, ठीक है, इट कंटेन्स सेलेनियम सल्फाइड 2.5%, और देर इज माइल्ड डैंड्रफ, माइल्ड स्केल्स, फंगस के भी स्केल होते हैं केराटिन के, so then you can use normal anti dandruff shampoos like head and shoulder, इसमें 1% होता है, ठीक, और सेल्सन ब्लू भी 1% ही होता है, so yellow is more powerful, तो use करें। In summary, tinea capitis oral tablets for 4 weeks, topical antifungals, topical mild steroid like hydrocortisone, ठीक है, and you can use सेलेनियम शैम्पूज और एंटी फंगल शैम्पूज लाइक कीटोकोनाजोल शैम्पूज, उससे फिर जल्दी ठीक होता है। अगेन लीजन लुक्स सिमिलर टू टीनिया कैपिटिस, बट दिस टाइम इट इज शाइनी एट्रोफिक स्किन, स्लाइटली डिप्रेस्ड, देयर आर नो हेयर स्टम्प, 4 निशानी होती, बिल्कुल प्लेन, नो हेयर स्टम्प, शाइनी एट्रोफिक डिप्रेस्ड स्किन, ठीक। बालचर जो होता है जिसको कहते हैं टी, इसको क्या कहते हैं, एलोपेशिया एरियटा, ठीक, इट कैन अकर ऑन द बियर्ड एरिया, मस्टेज एरिया, स्कैल्प एरिया, बाल जहां होते हैं वहां ही हो सकती है एलोपेशिया एरियटा। इस कैसे ट्रीट करते हैं, अगेन इस अ काइंड ऑफ इंफ्लेमेटरी या एट्रोफिक थिंग्स, ठीक, इंफेक्शन वगैरह नहीं है इसमें। सो एज डॉक्टर्स व्हाट वी डू इज गिव टॉपिकल स्टीरॉयड, ठीक है, या इंट्रालिजनस स्टीरॉयड, और बाल के लिए जो वेजोडायलेटर ड्रॉप्स होते हैं मिनोक्सिल, मिनोक्सिन के नाम से भी है बहुत सी, मिनोक्सिडिल, इट्स अ लोकल वेजोडायलेटर, तो बाल निकल आते हैं, ठीक। पहले जमाने में इसको कैसे ट्रीट करते थे,
एक हजाम इसको ट्रीट करते थे। हजाम क्या करते हैं, ब्लेड से ना टक, इसको कहते टक लगाना, कट्स और सुरमा डाल देते हैं, उसे भी आ जाता है वैसे। हाँ हाँ ठीक सही। गांव देहातों में जाएं, एलोपेशिया रेटा को कैसे ट्रीट करते हैं, कोई लसन मलता है जोर जोर से, लसन मल मल के स्किन जला देते हैं, बाल आ जाते हैं। ठीक, कोई प्याज मलता है इस पर, कोई सुरमा मलता है, कोई राख मलता है, ठीक, सबके इलाज कामयाब है। Why? Because you irritate the skin by something, it wakes up और वापस बाल निकल आते हैं। क्योंकि विंट्रास्टिलिजियस स्टीरॉइड वेक्स अप, बाल आ जाते हैं। टॉपिकल स्टीरॉइड दे दें, उससे भी आ जाता है। ठीक, सो एज ए फैमिली फिजिशियंस वी मस्ट एजुकेट द पेशेंट कि ये खुद भी ठीक होता है, परेशानी की चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अ मैलिग्नेंसी, खुद ही ठीक होने वाली चीज़ है। लेकिन कि विंट्रास्टिलिजियस स्टीरॉइड, टॉपिकल स्टीरॉइड, मिनोक्सिन ड्रॉप्स, और दे कैन यूज वट एवर दे वॉन्ट टू यूज। लेकिन जो हजाम वाला है, ब्लेड्स वाला चक्कर वो ना करें, वो जरा इज टू एग्रेसिव फॉर दिस कंडीशन। पहले जमाने में होता था ये, अभी हम नहीं करेंगे। ठीक, दिस इज अ कंडीशन। अगेन नैपी रैश है या टीनिया क्लोरिस है, ये फर्क अगर आपको पता चले तो फिर जिंदगी आसान रहती है। ठीक, जस्ट टू लेट यू नो कि दिस इज अ बेबी। ठीक है, इज रेडनेस ऑफ द ग्रोइन इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इसको गौर से देखिए, जो क्रीज है ना, क्रीज, ग्रोइन क्रीज, ठीक, फोल्ड्स जिसको कहते हैं, फोल्ड्स, फोल्ड्स आर आल्सो रेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोल्ड्स आर रेड। तो इस देयर आर छोटे छोटे डॉट्स है, ये कहते हैं सैटेलाइट लीजंस। सो दिस इज कैंडिडा इन्फेक्शन, नॉट अ डायपर रैश। डायपर रैश इज एन एक्जिमा फ्रॉम द वेट डायपर। ठीक है, वो ऊपर ऊपर लगता है, स्किन फोल्ड्स आर स्पेयर्ड, स्किन फोल्ड्स में ये नहीं होता, वो बचे होते हैं। तो आप कर सकते हैं कि यार दिस इज अ नैपी रैश, ये फंगस की वजह से है। ठीक, हो सकता है नैपी की वजह से हो, बट इट इज कैंडिडा। ठीक, सो इट इज अ कैंडिडा इंटरट्रेगो या क्रूरिस है, टीनिया क्रूरिस, टीनिया नहीं है ये, कैंडिडा ही है बेसिकली। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, अगेन जैसे मैंने पहले बताया, जो ओजोल्स है ना, क्लोट्रिमाजोल, मीकोनाजोल, एट्रोकोनाजोल या टर्बिनेफिन क्रीम्स, कोई भी क्रीम एंटीफंगल इस पे चलेगी, निलस्टेट भी चलेगी, आप वो दे दीजिएगा। खारिश होती है, रेडनेस है, स्किन खराब हो रही है, तो माइल्डेस्ट स्टीरॉयड जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे भी काफी आराम मिल सकता है। इफ समटाइम्स दैट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन, पस्चूज, पस बन जाती है, यू कैन यूज एंटीबायोटिक्स। कौन सी वाली एंटीबायोटिक्स, क्लोक्सासिलिन, ऑगमेंटिन, सेकेंड जनरेशन सेफलोस्पोरिंस। ठीक, ये कर लीजिएगा। ओरल एंड सिस्टमिक बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत कम। ठीक, बड़ों में तो 250 mg है, और दो साल से छोटे बच्चों को तो हम देते भी नहीं है एंटीफंगल्स, उतनी जरूरत नहीं होती, टॉपिकल से ठीक होता है, बहुत कम किसी को जरूरत पड़ सकती है इसमें। ठीक, अगेन तो इन ओरल वी हैव टू ऑप्शंस दीस डेज, टर्बिनाफिन विच इज लैमिसिल, और एट्रोकोनाजोल स्पोरोनॉक्स है, और दूसरे नामों से भी आती है, वो हम दे सकते हैं। लेकिन कैंडिडा एंटीट्रिगा को हम लोगों ने टॉपिकल से ट्रीट करना है, और बच्चे के डायपर वगैरह खोल देंगे, हवा चलती रहे, खुश्क होता रहे वो, एंड वी अप्लाई दिस क्रीम्स। दिस इज टीनिया क्रूरिस इन एन एडल्ट। इसके मार्जिन अगर आप देखिए, मार्जिन देखते, मार्जिन आर शायर रेगुलर मार्जिन, रेडनेस है, स्केल्स हैं। ठीक है, टीनिया क्रूरिस है। ये क्या है, दिस इज अ डायपर रैश, जेनिटेलिया रेड। देखिए मार्जिन को देखें, जहां तक डायपर का मार्जिन है वहीं पे रेड है। ये जो निशान है वो डायपर के निशान है, जहां पे स्ट्रेप्स लगती है उसकी है। लुक एट द फोल्ड्स, स्किन फोल्ड्स आर स्पेयर्ड, इसका मतलब ये डायपर रैश है, सॉर्ट ऑफ एक्जिमा है। ठीक, इसको हम एक्जिमा के तौर पर ट्रीट करेंगे, इसको ड्राई रखेंगे, विल अप्लाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, साबुन के इस्तेमाल नहीं करेंगे, वेट टिश्यू उससे साफ करेंगे, दर्द होता है, बच्चे रोते हैं, बड़ी शफकत से साफ करेंगे। ठीक, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। ठीक, डायपर को टाइट नहीं बांधेंगे, ढीला बांधेंगे, प्लस उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे, जब यूरिन पास कर दिए उसके बाद कुछ अर से खुला छोड़ देंगे। ठीक, तो ये ड्राइनेस से ठीक हो जाता है।
और अगर हमें लगे कि इसमें कोई फंगस का एलिमेंट भी है तो ओनली द टॉपिकल वन कैन बी यूज्ड, टर्बिनाफिन, लेमेसिल क्रीम, मीकोनाजोल, एटोकोल, सब क्रीम्स यूज कर सकते हैं। और समटाइम्स इट इज एक्जिमा, एक खारिश भी होती है, बच्चे रोते हैं, माइल्ड स्टीरॉइड्स, ठीक। सो डायपर रेंज का ये कि अवॉइडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन यू फाइंड यू कैन यूज माइल्ड एंटी फंगस एंड माइल्ड स्टीरॉइड्स, ठीक, फॉर क्विक रिलीफ। अगेन दिस इज अ लीजन ऑन द ट्रंक, राउंड रीजन, रिंग वॉर्म्स हैं, टीनिया कॉर्पोरिस। इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन अ लीजन, दिस टाइम ये देखिए रिंग्स की तरह है ना, रिंग, सेंट्रल क्लियरिंग, इसको कहते हैं सेंट्रल क्लियरिंग, एंड एक्टिविटी एट द मार्जिन्स। तो मार्जिन्स आर रेड एंड स्वोलन या रेज्ड मार्जिन्स हैं, और मल्टीपल रिंग्स हैं, एंड द रिंग्स आर कोएलीजिंग विद ईच अदर, यानी मिक्सिंग विद ईच अदर, ठीक है। ये एक सैटेलाइट लीजन भी बन रहा है इसका। ये अगेन मल्टीपल लीजन तो है टीनिया की तरह से, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, देयर इज नो सेंट्रल क्लियरिंग, सेंट्रल क्लियरिंग नहीं है, एक्टिविटीज ऑल ओवर द रीजन्स, ठीक है। और मल्टीपल साइज के हैं, ये इरेगुलर से हैं, एंड दे आर रेज्ड, इसको प्लाक कहते हैं, रेज्ड हैं, प्लाक हैं, रेड है। इस पे आप गौर से जब करीब से देखेंगे यू विल फाइंड फाइन सिल्वरी यानी व्हाइट स्केल्स, ठीक है, सिल्वर की तरह व्हाइट है, वो बिल्कुल दूध की तरह व्हाइट नहीं है, सिल्वर की तरह व्हाइट है, स्केल्स होते हैं। और आप एक और हरकत कर सकते हैं, दिस इज सोराइसिस, ठीक है, ये सोराइसिस की पूरे बॉडी में भी सोराइसिस हो सकती है। तो अब जो सोराइसिस है ना, उसके स्केल्स को आप जरा हटाएं शीशे के स्ट्रैप से या फोर्सेप से या स्कैल्पल से या टंग डिप्रेसर से, किसी से स्केल्स हटाएंगे ना तो यू विल फाइंड डॉट डॉट हेमरेज, ठीक, उसका नाम है बाकायदा। व्हेन यू रिमूव स्केल्स ऑफ सोराइसिस यू सी पंक्टेट हेमरेजेस डॉट डॉट डॉट, इस साइन, एक क्लिनिकल साइन है, इसका नाम है ऑस्पिट साइन, AUSPIT, ऑस्पिट, ठीक। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ऑस्पिट साइन, यू विल आप बताएंगे कि व्हेन यू रिमूव द स्केल्स ऑफ सोराइसिस यू फाइंड पंक्टेट हेमरेजेस, दिस इज कॉल्ड ऑस्पिट साइन, ठीक। अब सोराइसिस को कैसे हम ट्रीट करेंगे एज ए जीपी, यूजुअली हम रेफर ही करते हैं, ठीक है। हमें दो चीजें हम यूज कर सकते हैं, बट तीन चीजें हैं, इमोलियंट्स, इसको पेट्रोलियम जली रखे, सॉफ्ट रखे, पेशेंट को तंग नहीं करती, ठीक। दूसरा अगर आप कहते हैं नहीं मैं इस प्लाक को कम भी करना है, मैंने इसकी इन्फ्लेमेशन भी कम करनी है, स्केल्स भी हटाने हैं, देन यू कैन यूज क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स विच आर मिक्सचर ऑफ स्टीरॉयड एंड सैलिसिलिक एसिड, ठीक। जैसे बेप्रोसैलिक है, बेटामिथासोन एंड सैलिसिलिक एसिड, प्रोवेट एस, ठीक, दिस इज बेटामिथासोन विद सैलिसिलिक एसिड। ये जो कॉम्बिनेशन होती है ना स्टीरॉयड एंड सैलिसिलिक एसिड, वो इस पे बड़े आराम से यू कैन यूज इट, उससे इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, थिकनेस भी कम होती है, पेशेंट ठीक रहता है। मैं तक सब अपने पेशेंट कहता हूँ यार वो चीजें एंटमेंट विद विच कंटेन स्टीरॉयड इन सैलिसिलिक एसिड पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स करके लगा लिया करो, उसमें कुछ नहीं होता, लगाते जाए, ठीक। बट व्हेन सोराइसिस हैज बैक पेन और आर्थराइटिस वी रेफर, ठीक है। सोराइसिस नेल्स की भी होती है, फिर हमें रेफर करना पड़ता है। इसमें नॉर्मल स्किन की सोराइसिस अगर प्रॉब्लम नहीं कर रही यू कैन लीव इट। बल्कि सच्चा वाक्य सुनाता हूँ, आगा खान यूनिवर्सिटी एक गार्ड था, ठीक है, तो उसने कहा यार मैं आपको दिखाना है अपना, मेरे पाँव पे जख्म है, सही है। तो ही वाज इन यूनिफॉर्म, एक दफा तो चलते चलते मुझे कहते हैं मैं दिखाना है, मेरे पाँव पे एक इतना बड़ा निशान है, इतने अरसे से मैं उससे बड़ा परेशान हूँ, ठीक है। तो कहा चल दिखाइए, खड़े खड़े उसने पांचा ऊपर किया, घुटने पे कोई निशान नहीं, ठीक है। गार्ड मुझे कहता है ओ सॉरी ये तो दूसरे पाँव पे, मैंने कब उठाने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट बॉदरिंग यू, आपको ये नहीं पता आपके किस पाँव पे निशान है, और आप कह रहे मैं परेशान हूँ तो इट्स नॉट बॉदरिंग यू, कहते हाँ नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस ये ऐसे ही पूछना था, ठीक है। देन आई सॉ अ लीजन, इट वाज अ सोराइसिक पैच, प्लाक था, रेज्ड प्लाक, सिल्वरी स्केल्स थे,
फिर उनको एजुकेट किया, नथिंग टू वरी, और कुछ भी नाक भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट बॉदरिंग यू, अगर जॉइंट पेन्स हो तो बता देना, वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। पर जब क्रीम मांगी तो स्टीरॉयड और उसकी क्रीम लिख दी, तो उसका चलता रहा सालों तक, ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सोरायसिस की तरह मिलती जुलती एक और कंडीशन है, समटाइम्स आफ्टर इन्फेक्शन दिस अकर्स। इसकी कॉज एग्जैक्टली लोगों को नहीं पता, ठीक, बस इसकी कुछ निशानियां हैं। अगर गौर से देखें, देयर आर मल्टीपल लीजन ऑन द बैक, और यूजली ओवल नहीं, राउंड नहीं, ओवल है, लंबे लंबे से, समझ में आया, ओवल है। ओवल के साथ एक और निशानी, इनकी डायरेक्शन चेक करें, इफ यू टेक दिस मिड लाइन, मिड लाइन की एक लकीर लगा लें, अब इसकी डायरेक्शन चेक करें, नीचे की तरफ है, ये वाले जो लेफ्ट साइड के लीजन है वो नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, और राइट साइड की नीचे की तरफ है, ठीक, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक, जस्ट लाइक अ क्रिसमस ट्री, ठीक। अब लोग क्रिसमस ट्री मत ढूंढिएगा, ट्री नहीं, दरख्त नहीं बना हुआ, सिर्फ एक हल्का सा इशारा है कि ये इन लॉन्गबे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इनका नीचे की तरफ है, ठीक है, ये एक निशानी थी। दूसरा, इनमें एक बड़ा पैच होता है, नीचे आपको एरो नजर आ रहा है ना, ये पहले ये आता है, बिग पैच कम्स अर्ली, ठीक है, फिर उसके एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन बाद, फिर वो बाकी लीजन्स आ जाते हैं सारे, ठीक। चूंकि ये पहले आ जाता है ना, बाकी लीजन नहीं होते, इसका नाम है हेराल्ड पैच। हेराल्ड का मतलब ये पहले से जो निशानदेही करने वाला है, तो हेराल्ड पैच पहले, हेराल्ड, एच ई आर ए एल डी, हेराल्ड पैच, वो पहले आ जाता है, बिग वंस, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी निकलते हैं, एंड द रैश इज ओवल, लॉन्ग ओवल्स, डायरेक्शन ये कि नीचे की तरफ है, क्रिसमस ट्री, इसका भी नाम है एक, ठीक है, पिट्रियासिस रोजिया, इट्स नॉट रोजेशिया, रोजेशिया मत बोले, रोजिया है ये, लेकिन ये एक्चुअल पेशेंट की एक और पेशेंट है, इससे भी लॉन्गिट्यूडनल लीजन है, देखिए अब इसे कन्फ्यूज नहीं होना, पूरा ट्रंक भरा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल लीजन है, डायरेक्शन ऐसी है, सो दिस अगेन पिट्रियासिस रोजिया। ट्रीटमेंट क्या है, इसे सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन छोड़ भी दें तो कुछ नहीं जरूरत है, इमोलियंट्स लगा लें काफ़ी है, ठीक, खारिश वगैरह होती है वो यार बनियान पहन लिया करो, ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनो, हल्के कपड़े, और साबुन साबुन ना लगाओ कुछ दिन ना, इरिटेशन नहीं होगी, पेशेंट ठीक रहेगा। और अगर बोलने कोई दवाई भी दो, कैलामिन लोशन लगवा दें, खारिश नहीं होगी, जो जिंक वाली क्रीम्स होती हैं नेशनल वगैरह में होती है वो दे दें, या माइल्ड स्टीरॉयड हाइड्रोकोर्टिसोन दे दें, बस कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एजुकेट देम, इट इज सेल्फ लिमिटिंग। अनदर कंडीशन ऑन द ट्रंक, दिस टाइम इट इज नॉट रेज्ड, लीजन्स की कोई डायरेक्शन नहीं है, ये है क्या, छोटे छोटे लीजन्स हैं, मल्टीपल ट्रंक पे होते हैं, चेस्ट एंड बैक आर्म्स तक आ जाते हैं, ठीक, सो इट्स कॉल्ड टीनिया वर्सिकुलर, डिफरेंट कलर्स हैं, समटाइम इट डार्क लीजन्स, समटाइम्स लाइट, काले बंदों पे ये वाइट नजर आते हैं, वाइट बंदों पे काले नजर आते हैं, मल्टीपल शेड्स के हो सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, तो इसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। फिर पेशेंट मेरे पास एक दिन आया था, मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था तो यहाँ तक ना, तो कफ में देखा टीनिया वर्सिकुलर आर्म पे भी था, ठीक, मैंने उससे पूछा आपके छाती पे और कमर पे सफेद सफेद निशाना था, यहाँ सफेद थे, सफेद निशाना थे, पेशेंट चौंक गया, डॉक्टर साहब आपको कैसे पता, आपने तो देखा भी नहीं है, बस मैंने कहा बस मुझे पता चल जाता है ना कि कैसे है, कहते कैसे पता चला आपको, तो आपने देखा भी नहीं है और फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, अपने बगैर देखे बता दिए मेरी छाती में निशाना थे, तो मैंने कहा देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये पूरे ट्रंक पे होते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक। सो टीनिया ये जो है वर्सिकुलर, इट्स अ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। अगेन अनदर, अगर क्लोज अप व्यू ऑफ द टीनिया वर्सिकुलर, गौर से देखें ना, ये छोटे रिंग वर्म्स की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे, सही, मल्टीपल होते हैं इसलिए मिक्स हो जाते हैं वो ना, सो इट्स लाइक फंगल इन्फेक्शन, सो विल ट्रीट इट लाइक अ फंगल इन्फेक्शन बट वेरी सुपरफिशियल। इसमें ओरल एंटी फंगल की जरूरत नहीं पेश आती है, बहुत रेयर केसेस में जरूरत पेश आती है, इट इज सो माइल्ड, सच अ बिनाइन इन्फेक्शन दैट सिंपल एंटी डेंड्रफ शैम्पू इज एनफ फॉर इट,
ये सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू नहीं था, सेल्सन येलो मैंने कहा था, सेल्सन येलो, वो हफ्ते में दो दफा इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, बहुत होता है, हफ्ते में एक दफा भी इस्तेमाल कर दें तो काफी होता है इसके लिए। शैम्पू वही है कि नहाने के बाद शैम्पू लगा के 10-15 मिनट छोड़ते एंड देन यू वॉश, या रात को लगा के सुबह धो लें, उससे ये गायब हो जाता है, ठीक। और अगर ये नहीं है, थोड़े हैं, तो टॉपिकल क्रीम्स भी, कोई भी ओजोल क्रीम, क्लोट्रिमाजोल, मीकोनाजोल, एट्रोकोनाजोल, कोई भी टॉपिकल क्रीम यू कैन यूज फॉर इट, लेकिन वो इतने बड़े एरिया पे क्रीम्स बहुत ज्यादा लग जाती हैं, तो शैम्पू ज्यादा अच्छा रहता है। रियली यू नीड ओरल एंटीफंगस, ओरल में यू कैन यूज एट्रोकोनाजोल, टर्बिनाफिन, आमतौर पर टर्बिनाफिन सम इस पर काम नहीं करती, फ्लूकोनाजोल कैन बी यूज फॉर दिस, ठीक, यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज हो सकती है, अदरवाइज नहीं। सो टीनिया वर्सिकुलर का मेजर ट्रीटमेंट इज टॉपिकल। दिस इज अ पिक्चर ऑफ द ब्रेस्ट विच इज रेड टेंडर, पेशेंट हैज फीवर, ठीक है। सो ये जो है ना, आप देखिए इसमें पस पॉइंट आपको नहीं नजर आ रही, इट्स टेंडर स्वोलन, ठीक है, और मास सा नहीं बना हुआ, सो दिस इज मैस्टाइटस, ठीक है। स्किन इज रेड, आपको नजर नक्शा बना हुआ है, दिस इज मैस्टाइटस, ठीक। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, लाइक एनी अदर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, हम इसमें भी एंटीबायोटिक यूज करेंगे, वही एंटीबायोटिक जो हमने हर दफा यूज की थी, क्लोक्सासिलिन या ऑगमेंटिन, अगर ये काम नहीं करती या एलर्जी है, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हम देंगे, ठीक। पेन होता है तो वी विल गिव एनएसएट, पोस्टान, पैनाडॉल, ब्रूफिन, कुछ भी दे दें आप, ठीक, सही। उनको अच्छा सा ब्रा, सपोर्टिव ब्रा यूज करवाइए, ब्रेस्ट फीडिंग वाली तो यू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, और प्रॉब्लम्स होती है यू कैन एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, लेकिन उसको इंगोर्ज रहने ना दें, निकलता रहे ज्यादा बेहतर है, ठीक। अगेन ब्रेस्ट लीजन विच इज रेड टेंडर इनफ्लेम्ड, पेशेंट इज हाई ग्रेड फीवर एंड देयर इज अ मास, लाइक फ्लक्चुएंट मास इन द ब्रेस्ट, ठीक है, दैट इज ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक। उसका एक पंक्टम आपको यहाँ नजर भी आ रहा है कि देयर इज अ पंक्टम इन ऊजिंग, इसकी फिर सर्जरी करनी पड़ती है, इंसीजन एंड ड्रेनेज, पस को आउट करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती है, सो दिस इज ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक। ब्रेस्ट एब्सेस और मैस्टाइटिस में फर्क किस चीज का है, एंटीबायोटिक इज सेम, पेन किलर इज सेम, ब्रेस्ट फीडिंग इसमें भी कंटिन्यू रहती है, एक्सप्रेस भी उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इंसीजन एंड ड्रेनेज का फर्क है, इफ समटाइम्स यू एस्पिरेट विद अ नीडल, जो 10 cc सिरिंज होती है ना, 21 गेज की नीडल, दर ग्रीन कलर नीडल इज 21 गेज, उससे वो एस्पिरेट करते हैं, खाली हो सकता है और एंटीबायोटिक दें, सेटल भी हो सकता है। समटाइम इट्स ओल्ड, तो कई दिन हफ्ते गुजर जाते हैं ना उसमें, तो उसमें वो सेप्टे बन जाते हैं, फिर इंसीजन एंड ड्रेनेज सर उसको क्लीन करते हैं, ठीक। सो ये फर्क था, एब्सेस शुड बी ड्रेन्ड और एस्पिरेटेड, बाकी मैस्टाइटिस की तरह ही इसकी ट्रीटमेंट है। अगेन स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एंड यू आर सीइंग डिम्पलिंग, ठीक, एंड द निपल इज आल्सो रिट्रैक्टेड, एक्चुअली दिस इज ब्रेस्ट कैंसर एंड द कैंसर पुल्स द फाइबरस टिश्यूज, ठीक है। जिस तरह निपल बड़ा है ना, तो आपको नजर आ रहा है अंदर खींचा हुआ है, और जो छोटे छोटे फाइबरस टिश्यू के एडिशन है ना ब्रेस्ट के, वो भी अंदर खींचते हैं, सो इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑरेंज पील, जो माल्टे का छिलका होता है ना, ऑरेंज पील अपीयरेंस कहते हैं, प्यूडी ऑरेंज, सो दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स। आए आ गया इंटरट्रिगो, इंटरट्रिगो मीन्स व्हेन द टू स्किन फोल्ड्स मीट, चाहे ब्रेस्ट के नीचे हो, थाई में हो, उंगली में हो, एक्सिला में हो, स्किन फोल्ड्स की मॉइस्चर, उसमें ना वार्म एंड मॉइस्ट एरिया में फंगस आ जाती है, फंगस इज यूजुअली कैंडिडा ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक, और तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन आ जाती है, जैसे यू कैन सी दिस इन द सब मेमरी रीजन अंडर द ब्रेस्ट, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। दूसरी निशानी ये है कि सेटेलाइट लीजन आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे ये हैं, और देखिए कैंडिडा के बड़े रेड इन्फ्लेम से होते हैं, और ये देखिए सिक्रीशंस होती हैं इसकी चमकती हुई, तो कैंडिडा इंटरट्रिगो कैन अकर एट एनी प्लेस वेयर द टू स्किन फोल्ड्स मीट, और देयर इज मॉइस्चर एंड वार्मथ देयर, नमी और गर्मी वाली जगह में इंटरट्रिगो होता है, सही। ये कैंडिडा का होता है, पानी में हर वक्त हाथ होते हैं, बर्तन धोने वाले दूसरे, उनको ये हो जाती है,
सो सिंस इट इज अ फंगल इन्फेक्शन एंड इट्स कैंडिडा, तो हम क्या बोलेंगे, कहते हैं हाथों को खुश्क रखो, पाँव को खुश्क रखो, ब्रेस्ट के नीचे एरिया को खुश्क रखो, ठीक है, कॉटन का कपड़ा रखो, पाउडर्स इस्तेमाल करो, ठीक है, गर्मी में हो एसी में बैठ जाए करो, पंखे के नीचे बैठ जाए तो हवा चलती रहे, ठीक है, टाइट कपड़े मत पहनो, टाइट ब्राज मत पहनो, ताकि ये तंग जूते ना पहनो, दस्ताने ना पहनो, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक, प्लस यू कैन यूज ट्रॉपिकल एंटी फंगस विथ स्टीरॉयड्स, अक्सर एक्जिमेटस भी थोड़े होते हैं ना, तमाम इन्फेक्शन में जब स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, ठीक है, जब इन्फेक्शन के साथ स्टीरॉयड होते हैं, वी यूज माइल्डेस्ट स्टीरॉयड विच इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो बहुत सी कम्बिनेशन हैं एंटी फंगल की स्टीरॉयड के साथ, जैसे ट्रेवाकॉट है, ठीक है, उसके अंदर भी पोटेंट स्टीरॉयड है, डेक्टारिन है, एक डेक्टाकॉट है, डेक्टारिन इज सिंपल एंटी फंगल, डेक्टाकॉट में हाइड्रोकॉर्टिसोन होती है, हाइड्रोजोल है, क्लोट्रिमाजोल प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ठीक, तो ये कम्बिनेशन होती है, इवन यू कैन मेक कम्बिनेशन, वो सस्ती सिटी मिलती है हाइड्रोकॉर्टिसोन की और एंटी फंगल को मिक्स करके लगा सकते हैं, बनी बनाई मिक्स भी मिलती हैं। चलिए ये क्या है, इज ओल्ड मैन एंड द एंगल ऑफ द माउथ इज इनफ्लेम्ड, थोड़ी सी यहाँ भी लिप्स पे भी है, ठीक है, टंग भी थोड़ी सी रेड है, ये देख रहे हैं क्या है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक, अब एंगुलर स्टोमाटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ, एक कॉज नहीं मल्टीपल है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा का भी हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, बी 12 डेफिशिएंसी, सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी होता है और फंगस से भी होता है ये वाली, सो वी ट्राई टू ट्रीट द कॉज ऑफ एंगल स्टोमेटाइटिस, पर से इसको ज्यादा ना छेड़े, इसको अगर करना है वेजलिन पेट्रोलियम जेली लगा दें, ठीक है, चैपस्टिक या लिप्स के बाम होते हैं वो लगा, इसको मॉइस्ट रखें, ठीक हो जाता है, ठीक, और जो जिसकी कमी लगती है आपको B12, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, वो सप्लीमेंट्स दे दें, खाना पीना बेहतर कर दें, बैलेंस डाइट, ये ठीक हो जाता है। तीसरा ये क्या स्किन लीजन है, दिस इज अ चाइल्ड एंड देयर आर लीजन्स विच आर वेजिकल्स, ब्लिस्टर्स है, पानी से भरे हुए छाले हैं, लेकिन लोकेशन चेक करें, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के जंक्शन पे है, कहते हैं म्यूकोकुटेनियस जंक्शन एंड दीज आर वेसिकल्स, वेसिकल्स हमें पता है कौन सी बीमारी में होती है, हर्पीज में होती है, चाहे हर्पीज सिंप्लेक्स हो चाहे हर्पीज जोस्टर हो, यू गेट ब्लिस्टर्स, चिकन पॉक्स भी हर्पीज है ना, वेरिसेला जोस्टर, तो उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं, सो दीज आर वेसिकल्स इन द म्यूकोकुटेनियस जंक्शन, समटाइम्स ऑन द स्किन, लिप्स एंड मे बी इन साइड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये हर्पीज सिंप्लेक्स है, कौन सा, प्राइमरी हर्पीज सिंप्लेक्स, ठीक, प्राइमरी में इस तरह वेसिकल ज्यादा होते हैं, दे कैन हैव फीवर, नहीं, और सेकेंडरी हर्पीज सिंप्लेक्स होती है जो मुंह पक जाता है, हर्पीज लेबियलिस, हर्पीज नेजेलिस, ठीक है, नाक का पकना या मुंह का पकना नहीं होता, कभी इधर फिक्स जगह पे आते हैं, दैट इज द रिकरेंट हर्पीज, नॉट द प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी में वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन द माउथ, अराउंड द स्किन, अराउंड द माउथ, म्यूकस कुटेनियस जंक्शन, मे बी नोज, इसको ट्रीट करना पड़ता है। अब इसको एक चीज, इसको जरा समझे, हर्पीस को जरा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, एक है हर्पीस सिंप्लेक्स, सादा सिंपल है, एक हर्पीस जोस्टर जो जबरदस्त है, सिंप्लेक्स जबरदस्त जोस्टर, ठीक है, इनका अजीब सा वट्टा सट्टा है, कैसे, प्राइमरी हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन लाइक दिस इज ट्रीटेड विद ओरल एंड एसाइक्लोविर, ठीक, प्राइमरी हर्पीस सिंप्लेक्स में ओरल एसाइक्लोविर देंगे, ठीक, और जो जोस्टर है हर्पीस जोस्टर, उसकी प्राइमरी डिजीज इज चिकन पॉक्स, उसमें नॉर्मल लोगों को हम एसाइक्लोविर नहीं देते, unless the patient is HIV or immunocompromised, ठीक, प्राइमरी हर्पीस सिंप्लेक्स ओरल एंटीवायरल है एसाइक्लोविर, प्राइमरी हर्पीस जोस्टर विच इज चिकन पॉक्स एंटीवायरल ओरल नहीं देंगे, ठीक, अब रिकरेंट है हर्पीस सिंप्लेक्स का, रिकरेंट है हर्पीस लेबियलिस,
या नेजलिस या एक ही जगह पे बार बार ना जब बुखार के बाद निकलते हैं, तो कोल्ड सोर्स कहते हैं उसको, उस वो उसका रिकरेंट है, उसके लिए एंटीफंगल नहीं देंगे, या देंगे तो टॉपिकल देंगे, इमोलियंस लगाएंगे, खुद ही खत्म होता है. While the recurrent of herpes zoster is as herpes zoster या shingles, उसमें जरूर एंटीफंगल देंगे, और वो भी हाई डोज 800 मिलीग्राम. ठीक है, अब समझ गए. प्राइमरी हर्पीस सिंप्लेक्स वी गिव एंटीवायरल और रिकरेंट में नहीं देंगे. चिकन पॉक्स में प्राइमरी में नहीं देंगे लेकिन रिकरेंट में फिर देंगे. ये इसका फर्क है. और चिकन पॉक्स को हम किस पर ट्रीट करते हैं? प्राइमरी में इफ द पेशेंट इज प्रेग्नेंट तब हम ट्रीट करते हैं, और द पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज. अदरवाइज आम बच्चों को, हम लोगों को चिकन पॉक्स पे उसकी देने की जरूरत नहीं होती और खुद ही ठीक हो जाता है. चल आगे चलते हैं. सो दिस इज स्लाइड विच शोज द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीज सिंप्लेक्स एंड जोस्टर. सिंप्लेक्स की सिंपल है तो डोज भी कम है, 200 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे है. ठीक, छोटे बच्चों में 2 साल से छोटों के तैयार हाफ डोज दे दो, आधी गोली 5 टाइम दे दो, 2 साल से बड़े इनको 200 चलेगा फॉर 1 वीक. ठीक, सिंप्लेक्स की बात हो रही है. जोस्टर चूंकि जबरदस्त है, जोरावर है, उसकी डोज जब भी जोस्टर निकलेगा ना, हर्पीस जोस्टर 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक है. छोटे बच्चों में हम क्या करते हैं, ये बच्चा मेरे पास आया भी था, जोस्टर बच्चों में निकल जाती तो 20 mg पर kg पर डोज करके 5 टाइम्स देते हैं. कोशिश की जाती है कि यार इसकी डोज जो है ना 800 से ना बढ़े, एडल्ट से ना बढ़े. ठीक है, तो बड़ी एडल्ट वाली डोज बन जाती है, लेकिन छोटे बच्चों में kg के हिसाब से अच्छा चल जाता है. What is this? ये आप देखिए, again a lesion on the face, और यहाँ infection है, mucocutaneous junction के आसपास भी है, लेकिन vesicles नहीं है, यहाँ पे एक honey की तरह से crust बने हुए हैं, बिल्कुल honey color के हैं. ये क्या चीज़ होती है? This is called impetigo. Impetigo is the supposed superficial bacterial infection. Streptococcus करती है ज़्यादातर, या स्टेफ ऑरियस करता है. ठीक, वही जो जर्म्स उसके इन्फेक्शन करते वही हैं, बट इज द मोस्ट सुपरफिशियल वन. इतना सुपरफिशियल कि इसके ऊपर एंटीबायोटिक टॉपिकल लगा दिए ठीक हो जाता है, ओरल की जरूरत ही पेश नहीं आती. बिल्कुल उसी तरह से जब फंगस में हमने जिक्र किया था कि टीनिया वर्सिकलर इज द मोस्ट सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जो कि टॉपिकल शैम्पू लगाने से भी ठीक हो जाता है, इसी तरह से इम्पेटाइगो जो है इस मोस्ट सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो टॉपिकल एंटीबायोटिक से भी ठीक हो जाता है. ठीक, सो ट्रीटमेंट ये है कि इन्फेक्शन है, कहते यार साबुन वगैरह अलग रखो, दूसरों को ना लग जाए, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफ है. ठीक है, चेहरा गीला गीला ना रखो, खुश्क रखें इसको. तमाम इन्फेक्शन में चीज़ों को, स्किन को खुश रखा जाता है. टॉपिकल एंड पोलीफेक्स लगा दें, फ्यूजिडिन फ्यूजिडिक एसिड जो होती है वो लगा दें, म्यूपिरोसिन जो होती है, माइसोट्रेसिन क्रीम्स होती हैं, कोई भी टॉपिकल एंटीबायोटिक दे दें, ये ठीक हो जाता है. रेयरली अगर आप लगे बहुत ज़्यादा है या डीप हो गया है तो आप अपनी मशहूर ज़माना एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, वो है कौन सी? क्लॉक्सासिलिन ऑगमेंटिन. अब उससे एलर्जी है, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स हैं या मैक्रोलाइड्स हैं. ठीक, आप दे दें. ये क्या है? अगेन ये भी कॉमन होता है, वायरल इन्फेक्शन. बच्चा लेके आ जाता है कभी एक साइड कभी दोनों साइड, माँ पूछती है किसने मारा, बताओ चाचू ने मारा किसने मारा, लगता है थप्पड़ लगे हुए, चेहरा लाल होता है और रिंग्स की तरह शेप होती है, लगता है थप्पड़ मारे हुए, होता कुछ भी नहीं है. ठीक है, स्लैप चीक डिजीज भी कहते हैं, फिफ्थ डिजीज भी कहते हैं. फिफ्थ डिजीज वो बच्चों की इन्फेक्शस डिजीज की लिस्ट है, उसमें से 5वें नंबर पे है. मुख्तलिफ नाम दिए हुए, हमें याद नहीं होता, बस ये फिफ्थ डिजीज याद रखिए. और एरिडिमा इन्फेक्शियोजियम भी कहते हैं, ये वायरस लगता है एक दूसरे को, स्लैप चीक निकल आते हैं. सेल्फ लिमिटिंग है, इसको कुछ नहीं करना, प्लीज खुद ही ठीक होता है. इसमें पेनाडोल, अगर जोड़ों में दर्द बुखार है वायरस का, पेनाडोल दे दें, सही ब्रूफिंग का शरबत दे दें. अगर इसको लगता है कि मुझे इरिटेशन हो रही है, एविल का शरबत पिला दें. ठीक, बस और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा कुछ नहीं चाहिए इसमें. What is this? ये by birth होता है, बिल्कुल रेड
मार्जिस के साथ होता है, इसको कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन और कैपिलरी हिमेंजोमा, ठीक है, बट डिफॉर्मिटी कुछ नहीं कर सकते, चेहरे पे हो तो कैमोफ्लाज मेकअप्स होते हैं ताकि बुरा ना लगे, ठीक है, लेकिन आदत बना ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस फेस और हाथों पे तो बहुत बुरा लगता है, ट्रंक पे तो कोई परवाह नहीं, मेरे खुद बैक पे है इतना बड़ा सा, ये कैपिलरी हिमेंजोमा बाय बर्थ है। बच्चों वैसे बच्चे कहते पापा ये क्या है, तो हम तो भड़के मारने वाले हैं ना, ये मैं शेर से लड़ रहा था, शेर ने काटा था मुझे, इतना निशान उसका है बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए। सो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इज नो ट्रीटमेंट फॉर दैट। बाद में हल्का करना हो तो लेजर वगैरह कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजिएगा, वैसे कुछ नहीं है इसमें। What is this? हाँ, ये तो हर एक ने पहचान लिया, ठीक। So what is this? ये है multiple है, तीन है carbuncles. Carbuncle is a small abscess like infection with multiple openings and internal adhesions, ठीक। आमतौर पे ये जो back of the neck है यहाँ पे diabetics में निकलता है, ठीक। So अगर carbuncle कभी भी आए तो you treat that infection and also screen for diabetes. बहुत से डायबिटिक इस चीज से डायग्नोज होते हैं, ठीक। सो सिंस इट इज एन सॉर्ट ऑफ एब्सेस तो इसकी इंसिजन एंड ड्रेनेज होती है और ऊपर से क्रस्ट हटाए जाते हैं गीला कपड़े से ना, उसको साफ रखें ताकि पस निकलती रहे। एडिजन होती है तो उसको तोड़ना पड़ता है, इसमें स्मॉल लोकल एनेस्थीसिया के अंदर सर्जरी होती है तो उसे वो साफ कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे, वही अपनी मशहूर क्लॉक्सासिलिन ऑगमेंटिन, नई अवेलेबल या एलर्जी है सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन लाइक सेफेलिक्सिन या मैक्रोलाइड्स, ठीक। मैक्रोलाइड भी इसमें वो काफ़ी होती हैं और बहुत बड़े हैं, पेशेंट इज डायबिटीज इज नॉट कंट्रोल, सेटल नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको रेफर करते हैं, दे एडमिट आईवी, फिर एंटीबायोटिक्स मिलती हैं इनको। ये क्या है, अगेन अनदर स्किन इन्फेक्शन बाई स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टाफ, कार्बंकल की तरह ही लगते हैं। इनके प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फेक्शन तो है मामूली से, लेकिन जरा डीप होते हैं, यानी डर्मिस से भी तक पहुंच जाते हैं, उससे नीचे भी, ठीक। सो जब डीप होते हैं तो खड्डे पड़ जाते हैं, क्रेटर कहते हैं, क्रेटर, मार्जिन रेज्ड, नीचे डिप्रेस्ड एरिया जो क्रेटर है, लगता है आतिशफिशां का धाना है। लिशमेनियसिस के भी ऐसे ही होता है, बेसल सेल कैंसर भी ऐसे ही होता है, ठीक। बेसल सेल कार्सिनोमा, मार्जिन्स आर रेज्ड एंड सेंटर इज डिप्रेस्ड विद नो कनेक्टिव टिश्यू। लेशमेनियसिस में भी ये तो फ्लैट होते हैं अर्ली, अदरवाइज वो भी मार्जिन्स आर रेज्ड, सेंटर इज डिप्रेस्ड, आतिशफिशां के धाने की तरह। एंड दिस सुपरफिशियल इन्फेक्शन जो मल्टीपल है इस लेग पे, अगेन दिस इज सेंटर इज डिप्रेस्ड, मार्जिन्स आर रेज्ड, ठीक। इसको कहते हैं इक्थाइमा, कोई बड़ी चीज नहीं है, वही स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफलोकोकस का इन्फेक्शन है, जस्ट लाइक इम्पेटाइगो और अदर इन्फेक्शंस, बट दिस टाइम इट इज डीपर। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इम्पेटाइगो थाइमे की क्या है, अगेन एंटीबायोटिक्स, कौन सी एंटीबायोटिक, वही एंटीबायोटिक, वही, अब बताने की जरूरत ही नहीं है, क्लॉक्सासिलिन ऑगमेंटिन, ये नहीं है सेफेलेक्सिन या मैक्रोलाइड्स, ठीक। ये आप कर लीजिएगा, पेशेंट को डायबिटीज के लिए स्क्रीन कर लें कि डायबिटिक ही ना हो। ये क्या लीजन्स हैं, ठीक है, इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, बल्कि एक नजर आ रहा है, एक तो रेडनेस है, इतने बड़े बड़े होते हैं ये, ठीक, ये छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े रेडनेस के पैच है, एरिडिमा होता है, और वो थोड़े से रेज्ड होते हैं, गोल गोल गेंद की तरह नहीं, ऐसे स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं ना, रेज्ड होते हैं, ठीक, नोड्स की तरह होते हैं, बहुत दर्द होता है, एरिडीमा नोडोजम, एरिडीमा नोडोजम, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ होते हैं ये, यार वेरी पेनफुल। मैं एक पेशेंट को हाथ लगा चुका हूँ, चीखें निकल गई, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, हालांकि मैं तो आराम से टच किया था, मैं देखना था कि वार्म है कि टेंडर है, उसकी चीखें निकल गई, ये वाकई पेनफुल होता है एरिडीमा नोडोजम। इसको ट्रीट नहीं करना, ट्रीटमेंट इसमें क्या ट्रीटमेंट है, हमने एनएसएड देनी है, डाइक्लोफेनेक या ब्रूफेन, इस तरह की चीजें हम देते हैं, ठीक है ना, तो वो देंगे
और क्या कहते हैं काफी है हमारे लिए, और कॉज है उसको ट्रीट कर रहे हैं। सो कूल कंप्रेसेस दें, पांव ऊपर रखें ताकि एडिमा कम हो, रेस्ट दें, चलने से शलवार टच होने से भी इनको दर्द होती है, पेंट ट्राउजर टच होने से इतना सेंसिटिव होता है, सो डाइक्लोफेनिक वगैरह दे दें इनको जरूरत पड़े। डाइक्लोफेनिक वगैरह या एनएसिड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आईबीडी के साथ होता है, उसमें ऑलरेडी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स होती हैं, सो इसलिए बेहतर है कि उसको कॉज को ट्रीट करें ना कि हम ज़्यादा एनएसिड वगैरह दें। सो ये क्या है, बच्चा है ये जो फ्राइड एग की तरह से रेड एरिया है, बीच में एक वेजिकल है, रेड एरिया वेजिकल, रेड एरिया वेजिकल, जैसे अंडे की सफेदी के अंदर योक होती है ना, इसी तरह से रेड एरिया उसके अंदर एक छाला होता है, सो इट इज चिकन पॉक्स। ठीक है सर, कि चिकन पॉक्स ऑन द फेस ऑफ अ चाइल्ड, हमने ये भी देखा तो दिस इज हर्पीज वेरिसेला जोस्टर या हर्पीज जोस्टर की जो प्राइमरी कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन है, हम इसमें कोई एंटीवायरल नहीं देंगे, सिंपल पैरासिटामोल देंगे, हाइजीन एडवाइस करेंगे, बट दिस इज डिफरेंट। ये जो चीज है ये हर्पीज जोस्टर है, ठीक है, निशानी क्या है, इट इज फॉलोइंग अ डर्माटोम, इट इज नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन, ठीक है, सो दिस इज हर्पीज जोस्टर, इट इज द रिकरेंस ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को हमें एंटीवायरल नहीं देना, हर्पीज जोस्टर को जरूर देना है, चूंकि ये जोस्टर है जबरदस्त है, 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक, ठीक है, और अगर दूसरे फेमीसाइक्लोविर देनी है तो 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक, हम ज्यादातर हमारे पास ये साइक्लोविर है वही हम दे देते हैं एज फैमिली फिजिशियन। ये क्या है, स्किन पे आप ही देख रहे हैं, रेस्ड वेल सर्कमस्क्राइब्ड, ये राउंड राउंड है, और उसके ऊपर गोभी नहीं होता गोभी, फूल गोभी उसकी तरह से रेगुलर स्ट्रक्चर, कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स, और से भी देखिएगा गोभी के लगता है गोभी की तरह से, सो वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेज्ड कॉलीफ्लावर स्ट्रक्चर्स मल्टीपल है, ठीक, वॉट्स हैं, कॉमन वॉट्स, वायरल वॉट्स हैं, जो वायरस पेपिलोमा वायरस से होता है, ठीक। ट्रीट कैसे करते हैं, कहते हैं इसको छोड़ दो, खुद ही ठीक होते हैं, मोस्टली ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, हर एक को लगते भी नहीं है, प्लांटर वॉट्स भी हो सकते हैं, वो फिर पेनफुल होते हैं, चलते हुए चुभते हैं, हाथों पे छोड़ दें खुद ही सही होता है। पहले ज़माने में ना इसको घोड़े के दुम के बाल लेके ना इसको बांध देते टाइट, स्ट्रैंगुलेट करते थे, उससे भी ठीक होते थे, ठीक, बट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर अवेलेबल फॉर इट, हम कहते हैं यार सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक होता है तो जाने दो, और अगर जल्दी है कोई मंगनी आ रही है, शादी आ रही है, कोई कॉस्मेटिक रीज़न है, तो फिर कहते हैं चलो अब इसको तोड़ते हैं, जला देते हैं, तोड़ देते हैं, तबाह कर देते हैं, कैसे, एक लोशन मिलता है नेल पॉलिश की तरह, ड्यूफिल्म सैलिसिलिक एसिड, आप उस पर बस लगाते जाएं, नॉट इन द नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन को बेशक आप पेट्रोलियम जेली से छुपा दें, इसके ऊपर सैलिसिलिक एसिड दिन में कई मरतबा डालें, नेल पॉलिश की तरह उसका हैंडल होता है, तो वो जलाता रहता है, वो जलाते जाएं जलाते जाएं, जब पूरा जल जाए नॉर्मल स्किन, उसकी जड़ों को भी जला दें, एंड देन इट डिसअपीयर्स, सही हो जाता है। क्रायोथेरेपी जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन से करते हैं ड्राई बर्न कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ हीट बर्न्स कोल्ड बर्न्स करवा देते हैं, माइनस पता नहीं कितने डिग्री पे क्रायोथेरेपी, उससे फिर ये निकल आते हैं, लेकिन मल्टीपल हो तो क्रायोथेरेपी मुश्किल हो जाएगी। सर्जिकल एक्सीजन भी चल सकती है, ठीक, इंट्रालिजनल जो ब्लियोमाइसिन के इंजेक्शन है, कोई सिल्वर नाइट्रेट से जलाता है, किसी भी चीज़ से इसको इरिटेट करें, जला दें, ख़त्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक कॉटरी से भी जला सकते हैं, इलेक्ट्रिक कॉटरी से भी इसको जला सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के साथ, जस्ट सो मेनी ऑप्शंस फॉर इट, लेकिन ऐसे जी पी एम को तैयार ड्यूफिल्म लगा लिया करो, ईजी है, ठीक है। और ये वॉट्स जेनेटेलियल भी, जेनेटल वॉट्स भी होते हैं, जेनेटल वॉट्स के लिए फिर ये चीज़ें हम नहीं लगाते, उसके लिए पोडोफाइलिंस होती हैं, ठीक, वो लगाई जाती हैं, वो उसमें रिकमेंडेड है इवन प्रेगनेंसी में भी और जेनेटल वॉट्स के लिए, बाकी वॉट्स को आप ये कर सकते हैं। चेहरे वालों को फिर हम नहीं छेड़ते, चेहरे पे क्यों स्कार्स प्रोड्यूस करें, जब ये खुद सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है, खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए ये हाथों पे होते हैं, ठीक। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही रेफ़र कर दें, वो वहाँ ट्रीटमेंट उनकी चलेगी। इसमें जहन में एक बात आई थी बताना, फिर मैं भूल गया,
अच्छा लीजन्स याद है एक है डिजाइन में नहीं आ रहा एक फेनोमेनन है स्किन का सॉरी जेन से नाम निकल गया लेकिन मैं वो समझा देता हूँ देयर आर मेनी स्किन लीजन्स बॉडी में मौजूद होते हैं लेकिन स्किन को आप कहीं दूर कट लगा दें ये वहां आ जाते हैं ठीक है विटिलाइगो एक लीजन ठीक है ये साथ में विटिलाइगो यहाँ एक कट लग गया गलती से एक्सीडेंट में तो जो स्कार हील हो रहे विटिलाइगो इधर भी आ जाती है वॉट्स है ना स्किन में जख्म हुआ तो वॉट्स कहीं है तो वॉट्स भी यहाँ आ जाते हैं और इसी तरह से हाइपर पिगमेंटेशन है कट लगाए पिगमेंटेशन आ जाती है इसका नाम ऐसा अच्छा नाम है ज़हन में नहीं आ रहा चले खैर चल जाने दे लेकिन ये फेनोमेनन होता है कि वहां पे लीजन आ जाते हैं चले आगे देयर इज अ हैंड शोइंग स्मॉल डॉट्स ऑफ इन्फेक्शन एंड सम ऑफ द डॉट्स ये वाले गौर करें इंटर डिजिटल वेब स्पेस में है यहां पे खारिश बड़ी होती है रात को बहुत होती है ठीक है पांव पे भी है ट्रंक पे भी है घर वालों को भी खारिश है ठीक है इचिंग सिवियर इचिंग मोर एट नाइट ठीक है एंड फैमिली मेंबर्स आर इन्फेक्टेड ये स्केबीज होता है स्केबीज का जो पूरा डिटेल लेक्चर है ना डॉक्टर प्रोफेसर तारिक जमान का फेवरेट है वो लेक्चर को तफसील से देख लें हम मोटी मोटी बातें स्केबीज का कर लेते हैं एक बात ये कि छोटे बच्चे होते हैं ना इनके सोल्स नरम होते हैं यहाँ पे भी स्केबीज आ सकती है ये मिस नहीं करना आपको ठीक बड़ों के सोल बहुत मोटे होते हैं स्केबीज की मजाल नहीं है कि उसमें गार बना सके ठीक है अब स्केबीज के इलाज कैसे करते हैं वेरी इजी और हम ये क्या कहते हैं सबको कि स्केबीज है एक छोटी सी जूं की तरह कीड़ा है जो गार बना के बैठा हुआ है ठीक वहां पे वो अंडे दिए हुए वहीं पे वो गंदगी उसकी है जिससे आपको खारिश होती है सही हम ये समझा देते हैं और ये एक से दूसरों को फैलता है दूसरे कहते हैं सारे घर वालों में होता है कुछ को खारिश होती है कुछ को नहीं होती इसलिए इलाज सबका होगा चाहे खारिश हो या खारिश ना हो ठीक ये हम बता देंगे उनको बोलेंगे सब ने क्रीम लगानी है एक ही तारीख में ठीक है जो हम क्रीम्स बताएंगे वो हर बड़े बच्चे सबने लगानी है रात को तमाम कामों से फारिग होके ब्रश ब्रश करके हर चीज़ से फारिग सोने से पहले बाथरूम जाइए पुराने जो कपड़े हैं उतार के साइड पर रखिए क्रीम लगाइए बेशक आंखें छोड़ के सारे जिस्म पे लगा दें बैक भी है किसी और से लगवा लें हाथों पे उंगलियों के दरमियान पाँव ग्रोइंस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कोई जगह छोड़नी नहीं है 8 घंटे लगी रहनी चाहिए ठीक है और पीछे रात को उठे हाथ धो लिए दोबारा लगा लें सही पेरिनियम को भी लगाइए सारे जिस्म को लगाइए फिर वो आदमी कोई और कपड़े पहन के बाहर निकलेगा दूसरा जाएगा अपने पुराने कपड़े उतारेगा क्रीम लगा के नए कपड़े पहन के आ जाएगा नए नहीं उनको साफ कपड़े करते करते सारी फैमिली होगी जो बेड शीट्स हैं वो भी चेंज होंगी उसी वक्त पिलो कवर्स हैं वो भी चेंज होंगे अगर ओढ़ने वाली चीज़ है वो भी चेंज होंगे ठीक तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे ये होती है स्केबीज एग्स होते हैं या स्केबीज मौजूद होती है और जो सारे गंदे कपड़े और बेड शीटें हैं ना इनके साथ दो सलूक करने पड़ते हैं या तो वो इस सर्फ डिटर्जेंट में डाल के ना पानी में गर्म पानी में धो ले वो भी काफ़ी है या उबले हुए पानी में डुबकियाँ दे दें वो उसको फ्राई कर दें सारे कीड़ों को या प्लास्टिक में बंद करके 72 आवर्स यानी 3 डेज के लिए प्लास्टिक में बंद करके छत पर रखें धूप से और गर्मी से और भूख से मर जाएंगे सारे सारे जायज हैं ठीक कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं फैमिली को एजुकेट करना पड़ेगा कि सारे लोग सब ने करना है नंबर 2 इचिंग विल गो इन 1 वीक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्रीम लगाने के फौरन बाद अगली सुबह को ठीक नहीं होगा बिकॉज इचिंग इज बिकॉज ऑफ द फॉरन बॉडीज इन द होल्स उसके एग्स हैं उसके यूरिन है स्टूल्स हैं उस तमाम जो ना वो चीज़ें होती हैं वो टाइम लेती हैं ठीक होने से इसी दौरान आप एंटी हिस्टामिन जारी रखिए सारी फैमिली की बच्चों को सिरप दें बड़ों को टैबलेट्स दें ठीक है इस तरह से एक ही अच्छी एप्लीकेशन काफ़ी होती है बस सम पीपल रिपीट इट आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स टाइम वो भी जायज़ है स्केड्यूल उसका कोई नहीं आया कि कब रिपीट करना है ठीक आ जाए
लगानी कौन सी क्रीम है? बेंजाइल वो भी होती थी, बेंजाइल परोक्साइड हम देते थे, लेकिन आजकल जो सेफेस्ट है जो कि प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, दैट इज परमेथ्रिन लॉट्रिक्स। मेलाथायन भी दे सकते हैं, लेकिन क्रोटामिटॉन भी है, सारा कुछ है, लेकिन इफ यू ओनली नो परमेथ्रिन इट इज द बेस्ट वन, वेरी इफेक्टिव, सेफ इन प्रेगनेंसी, सेफ इन लैक्टेशन, सेफ इन चिल्ड्रन। ठीक, लोशन भी मिलता है, क्रीम भी मिलती है, यू कैन अप्लाई दैट। एक स्केबीज की किस्म होती है, नॉर्वेजियन स्केबीज कहते हैं, क्रस्टेड स्केबीज, उसमें इतने ज्यादा होते हैं ना कि स्किन के ऊपर इतने गार होते हैं ना, उनसे निकलने वाले जो मवाद है वो एक लेयर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, समटाइम्स ऑन द स्कैल्प भी पूरा क्रस्ट सा बन जाता है, गंध का क्रस्ट होता है, उसके नीचे हजारों लाखों होते हैं वो स्केबीज के माइट्स। ठीक, और वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों में ज्यादा होते हैं इस तरह के, तो वो फिर उसमें फिर हम ओरल आइवरमेक्टिन भी देंगे, परमेथ्रिन लगाते जाएंगे, इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, इसको धो के सारा साफ करेंगे, बहुत हाईली इन्फेक्शस होता है इसमें। ठीक, बल्कि जब अर्थक्वेक आया था तो हम जाते थे, काम करते थे, आते थे, तो वहाँ से फ़ोन आया, 2005 की बात कर रहा हूँ, तो एक खातून है अमेरिकन एक्सेंस के, इस दिस डॉक्टर नज़ीर शाह, ओह यस मैं, अरे कहाँ से कॉल आई है? कहते हैं हम वो बालाकोट से बोल रहे हैं, वहाँ उन्होंने पूछा किसी से कि भाई ये किसी पाकिस्तानी डॉक्टर से पूछो, तो किसी को नहीं, मेरा नाम बता दिया था उन्होंने। 2005 की बात है कि उसमें स्मार्टफोन वगैरह भी नहीं थे ना, दूसरे फ़ोन थे, कि इस तरह से भी सीइंग अ पेशेंट है जिसपे स्कैन पे इतना लीजन है, ये है और इचिंग है, बूढ़ा आदमी है, ये वो है, वी हैव नेवर सीन सच थिंग इन आवर लाइफ। और ये फिलहाल कि उस वक्त स्कीबीज बहुत फैली थी, जलजला था अक्टूबर में, फिर सर्दियाँ आ गई थी, तो सब सर्दियों में थे, पानी का सिस्टम तबाह, नहाने धोने का सिस्टम नहीं, कैंपों में, खैमों में, और सर्दी से बचने के लिए आग नहीं थी, कंबलों में एक साथ होते थे, तो स्केबीज तो फैली हुई थी, इतना मुझे अंदाजा था। ठीक, और ये क्रस्टेड स्केबीज थी, फिर उनको बताया कि दिस इज नॉर्वेजियन स्केबीज, क्रस्टेड स्केबीज, परमेथ्रिन दें, सफाई करें, आइवरमेक्टिन उस वक्त नहीं थी, तो हमने इसको इस तरह से ट्रीट किया था, तो अब मुझे नहीं पता ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आगे चलिए, सो दिस इज अ लीजन ऑन द स्किन, वेरी राउंड, जैसे प्रकार से बनाया हो, वो टिकिया हो, बिस्किट नहीं होते, सॉरी ये मेरी चाय है, जान से चाय, हाँ अच्छा सॉरी, बस चाय बना के रखी हुई थी, भूल गए थे। तो वेरी राउंड यानी वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजंस रेज्ड एंड द सेंटर हैज अ डिप्रेशन, जिसको कहते हैं सेंट्रल अम्बलिकेशन, अम्बलिकस की तरह ना, नाफ की तरह से, जैसे सेंट्रल अम्बलिकेशन। ये क्या है? मोलस्कम कंटेजियम, वेरी कंटेजियस लेकिन हार्मलेस कंडीशन, और बड़े सॉफ्ट होते हैं। इनका इलाज क्या है? छोड़ दें, खुद ही ठीक होता है, साल दो साल में गायब हो जाएगा, लेकिन करना चाहते हैं इनको बस फोड़ दें, मोलस्कम कंटीजियम को फोड़ दें बाय एनीथिंग। ठीक है, यानी कॉटरी करना है, टॉपिकल सेलिसिलिक एसिड डाल दें, क्रायोथेरेपी क्यूरेट कर दें, इमिक्यूमोड एक लोशन मिलता है वो स्किन के अस्पतालों में, एक लकड़ी के तेज बड़ा सा टूथपिक की तरह होता है, उसमें डिप करके टिक टिक करते हैं, डिप करते रहते हैं, उससे यानी इसको कुछ नहीं मिलता, साफ टूथपिक से कर दें, इसको जरा सी जिक पहुंचाए ना, नुकसान पहुंचाए मोलस्कम को, ठीक है, ये बस इन्फ्लेमेशन में आके ये गायब हो जाता है। ठीक है, और इसको बिनाइन लिंगलेट मतलब यार जाने दो, इसको खुद ही ठीक हो जाता है, फिक्र ना करो। ठीक, बट देयर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, जस्ट यू हैव टू इरिटेट द थिंग, जस्ट पंक्चर इट बाय एनी केमिकल और मैकेनिकल थिंग, या इलेक्ट्रिक या क्रायो, कुछ भी कर दें, खत्म हो जाता है। ये क्या है? This is the infection of the nail bed. नाखून की जो बेड है ना, ये सब देख रहे हैं, ये बेड का इन्फेक्शन है, वेरी पेनफुल, ये प्रेशर बिल्ड होता है, पेनफुल बड़ा होता है। ठीक है, और इसकी मैं एक चीज दिखाऊं, ये जो नेल है ना, ये नेल है, ठीक है, ये नेल बेड है, और ये जो नेल का जो सराउंडिंग एरिया ना, दिस इज इनफ्लेम्ड एंड दिस इज फ्लक्चुएंट, और यहाँ पेन बहुत होता है। ठीक,
और ये व्हाइट येलो से एरिया देख रहे हैं, दिस इज द डेड स्किन, इसके पीछे पस है येलो, इसलिए ये नजर आ रहा है, ठीक। और ये एरिया इनसेंसिटिव है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पेन नहीं महसूस होता, पेन नहीं महसूस होता इसमें, ठीक। अब यह पेशेंट दर्द से जरा से टच करे चीखे मारता है, क्योंकि वहां पस का प्रेशर है, ठीक। व्हाट वी डू इज, इसको क्या कहते हैं, पेरोनिकिया, ठीक। एक्यूट पेरोनिकिया इज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द नेल बेड, ठीक है, नेल फोल्ड है, नेल फोल्ड बेड से नीचे आता है, नेल फोल्ड का इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें पेन बहुत होता है, मे बी हैव फीवर, और इसमें ये जो एरिया है ये नेक्रोटिक स्किन है, डेड स्किन है, ये हमारा टारगेट एरिया होता है, इसको हम निक देते हैं छोटा सा, ठीक। एक चीज हमें आमतौर पर नहीं पता होती, ये जो सिरिंज होती है, सिरिंज नीडल जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, इसके किनारे कभी देखे हैं आपने गौर से? अब जाए ना तो मोबाइल से उसकी तस्वीर खींच के बड़ा करें, ये नेजे की तरह होती है, इट इज अ कटिंग एज, कटिंग नीडल, ठीक है। जो सिरिंज हम लगाते हैं, एक कटिंग नीडल होती है, इसका ये जो सिरा है ये भी तेज होता है, धार वाला ये भी तेज होता है, ठीक। नीडल को आप किसी पे ऐसे फेरेंगे ना, काट देगा, ब्लेड की तरह होता है वो, ठीक। तो एक नीडल उठाइए, कोई भी नीडल, 3 cc सिरिंज की या 5 cc सिरिंज की, इसको स्प्रिट से साफ करें, नीचे टिश्यू रखें, सिरिंज से ना जो वाइट एरिया है, ये जो वाइट एरिया, इसको जरा सा एक छोटा सा कट दे दें, एकदम पस निकल आती है। जैसे पस निकलती है, प्रेशर कम होता है, तकलीफ कम हो जाती है, फिर नरमी से प्यार से इसको दबा दबा के सारी पस निकाल दें, ठीक। स्किन बैठ जाती है, पेन एकदम गायब, पेन जब गायब होती है ना, प्रेशर जब खत्म होता है, फिर चूंटियाँ सी चलना शुरू हो जाती हैं, विषय कहता है अजीब सा महसूस हो रहा है, एंड देन ही बिकम्स फाइन, एंड यू गिव एंटीबायोटिक एज वेल, और पेन किलर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सी देंगे? वही अपनी मशहूर एंटीबायोटिक, क्लॉक्सासिलिन या ऑगमेंटिन। एलर्जी है पेनिसिलिन की, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, सेफेलेक्सिन वगैरह देंगे, सिड्रोक्सिल है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सर वार्म सोक्स फॉर माइल्डर केसेस, शुरू में ना गर्म सिकाई करके पकाते हैं इसको, और एंटीबायोटिक है ड्रेनेज इन केस ऑफ एब्सेस, ये जैसे पेशेंट था, ड्रेनेज क्या है, निक्की देना है, खुद बहुत ड्रेन हो जाता है, नॉट इवन लोकल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड, लोकल की जरूरत भी नहीं है, वो येलो एरिया डेड है, उसको टच करें बस, अंदर नहीं जाना, सिर्फ स्किन को उसके टच करें। ये क्या है, अगेन अ पेरोनिकिया, नेल फोल्ड का इन्फेक्शन है, ठीक है, और नेल भी खराब है, डिसफिगर्ड, इसको कहते हैं क्रॉनिक पेरोनिकिया, ठीक है। अब इसकी थ्योरीज मुख्तलिफ है, पहले समझते थे दिस इज क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन, फिर आया यार फंगल इन्फेक्शन है ये तो साबुन वगैरह में जो हाथ रहते हैं उससे होता है, सो मे बी डर्माटाइटिस हो ये, ठीक है, एक्जिमा सॉर्ट ऑफ थिंग हो, या फिर जब देखते हैं तो मिक्स है, अब कहते हैं यार ये मिक्स हो सकता है, फंगस भी और क्रॉनिक एक्जिमा, ये जो हर वक्त कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, पानी का जो काम करते हैं जिसमें, इनको देख लीजिएगा सब्जी में जो पानी डालते हैं, इनके नाखून ऐसे खराब हो चुके होते हैं, ठीक। क्रॉनिक पेरोनिकिया इज नॉट बैक्टीरियल, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कहते हैं यार पानी से बचो, दस्ताने पहनो, ठीक है, और कुछ लोग मुंह में हाथ रखते हैं उसे कहते हैं ना डालो, गीला ना करो, इसको नॉर्मल काट लो, ठीक है, और जितना खुश रखते से हो खुश पे रखो इसको। इसमें टॉपिकल स्टीरॉयड एंटीफंगल का मिक्सचर यूज होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेक्टारिन नहीं डेक्टाकॉट, ठीक है, विच इज स्टीरॉयड एंड एंटीफंगल्स, ट्रेवोजन नहीं ट्रेवोकॉट, इसमें एंटीफंगल और स्टीरॉयड मिक्स है, हाइड्रोजोल इस मिक्स होती है, ठीक है, एंटीफंगल ने स्टीरॉयड मिक्स है, तो वो टॉपिकल लगाते हैं, उससे एक्जिमा भी कवर और फंगस भी खत्म, और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर से बचना होता है, ठीक। और चूंकि ये बहुत इस तरह की सुपरफिशियल है, लंबे अरसे चाहिए होती है, ओरल से नहीं ठीक होता, ओरल की जरूरत नहीं है इसमें। ये क्या है, अगेन देयर आर नेल्स, अगर आप नेल को गौर से देखें, थोड़ी सी लाइसिस है, थोड़ी सी नेल ऊपर है, ठीक है, आमतौर पर यहाँ किनारों तक होते हैं, ये जरा से उठे हुए हैं, वाइट वाइट ज्यादा है इसका, प्लस ऊपर से सॉफ्ट है, गोल नहीं है, नीचे हो गए हैं, ठीक, और उस पर डॉट डॉट है, डॉट डॉट, ठीक है, इस सोराइसिस की निशानी है,
इसको कहते हैं पिटिंग ऑफ द नेल्स। ठीक, एक तो सॉफ्ट हो गए, जल्दी टूटते हैं, ऊपर से किनारा उसको उठा हुआ है किसी जगह फंस जाए ना, टूट जाते हैं और ऊपर उठते जाते हैं ये, और फिर पंक्टेट भी है, बुरे भी लगते हैं। ठीक, तो इसमें ये क्या, हमने क्या करना है इसके साथ? कहते हैं सोरायसिस को ट्रीट करो यार, नेल्स की ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते। ठीक, तो कहते हैं सोरायसिस को अच्छा इलाज दें, ये बेहतर हो जाएगा। ठीक, फिर काटते हुए ख्याल रखेंगे इसको, एहतियात से काटें, ज्यादा ही ना उखाड़ दें इसको। कुछ काम कर रहे हैं जिसमें टूटने का खतरा है, दस्ताने पहन लेना, सही है। और ज्यादा से खुरचने की भी इसकी जरूरत नहीं, टूट जाते हैं। कोई मेकअप का टाइम आ गया तो नकली नेल से ऊपर लगा लिया करें, ठीक है, या नेल पॉलिश वगैरह हो ताकि नजर ना आए, बस ये कैमोफ्लेज वाले तरीके हैं। लेकिन प्राइमरी कॉज जो सोरायसिस है उसको ट्रीट करना पड़ता है। अनदर डिजीज ऑफ द नेल्स, इसमें क्या है, इस टाइम नेल्स में पिटिंग नहीं है, नाउ द नेल्स आर डिफॉर्म्ड, थिकेंड, रफ, ब्रिटल। ठीक है, थिक, ब्रिटल, रफ एंड फ्रेजाइल भी है। ठीक, और ये अपने नेल बेड से उठ भी सकते हैं, जिसको कहते हैं ओनिकोलाइसिस। ठीक, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, नेल के इन्फेक्शन को, ठीक है, ठीक, ओनिकोमाइकोसिस, यानी फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। ठीक, देखिए नेल बेड, नेल के जो फोल्ड्स है ना नाखून के किनारे पे, ये वाले, ये देखिए ये क्लियर है। अगर ये नेल फोल्ड भी अराउंड द नेल इन्वॉल्व होता है तो क्रॉनिक पेरोनिकिया है, इट्स ओनली फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। ठीक है, जिसमें दे आर थिक, रफ, डिसकलर्ड, डिसफिगर्ड, ब्रिटल एंड लाइस्ड, ब्रोकन। ठीक है, और ऊपर उखड़े हुए भी होते हैं, तो इस कंडीशन कहते हैं ओनिकोमाइकोसिस और इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स। इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ये बड़ी ढीठ है, तमाम फंगसों में, स्किन फंगस में सबसे ढीठ है ये नाखून वाली, क्योंकि नाखून की ब्लड सप्लाई नहीं होती, ओरल खिलाएंगे भी तो बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, इतना थिक होता है फंगस, नीचे छुपी होती है, बड़ी मुश्किल से ये ट्रीट होती है। ठीक है, तो फिर हम इसको टॉपिकल से इतना काम नहीं पड़ता है, इसमें ओरल जब खिलाते लंबे अरसे है। ठीक है, आराम से तकरीबन ये हमारा कहीं वही से 6 हफ्ते तक ये चल जाता है। ठीक, टर्बिनाफिन है, टोकोनिजोल है, वो देंगे, और बड़ों की डोज भी है इसमें, बच्चों की भी लिखी हुई है। तो और भाई हम जैसे 20 किलो तक बच्चे हैं ना, जो 4-5 साल वाले, उसको हम एक गोली का आधा देते हैं 20 kg तक, फिर जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको एक गोली 125 mg की देते हैं, फिर जो एडल्ट है उसको 250 mg देते हैं। इस तरह से हम इनकी डोजेज करते हैं। नाखून बड़ी मुश्किल से ठीक होते हैं, ये है अगेन, ये तो हम सबके हथौड़ा लगा होगा दरवाजे में, गाड़ी के दरवाजे में, इसको क्या कहते हैं, सब एंगल हेमाटोमा। इसको ड्रेन करना होता है आइदर बाय ड्रिलिंग होल, पिन गरम करके, और इसकी थर्मल छोटी सी चीजें होती हैं जिससे जलाते हैं, जस्ट यू वॉन्ट टू गिव अ वे टू द हेमाटोमा टू रिजॉल्व, काला ब्लड निकल आता है, पेन इज सेटल्ड, ये नाखून जाया हो जाता है, इसकी वजह दूसरा आता है। ठीक, अगर ये किनारे पे हो ना ब्लीडिंग, किनारे पे, तो फिर यहाँ से नाखून को कट दें, छोटा सा टिक करें, और ब्लड फ्रंट से ही निकल आता है। लेकिन इस पेशेंट का फ्रंट इज फाइन, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, फ्रंट से काटना नहीं है, इसको यहीं से सुराख बनाना होगा। ठीक, एक अच्छा सुराख, जो सिरिंज होती है ना 21 गेज की नीडल, नीडल नहीं होती, वो दोनों किनारे तेज होते हैं, उसको रखें, उसको घुमाते जाएं, घुमाएं ड्रिल की तरह ना, ऐसे से लस्सी जो बनाते हैं, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, पंक्चर हो जाता है उसमें, जैसे पंक्चर होगा काला ब्लड निकल आएगा। ठीक, और पेशेंट का पेन रिलीव हो जाएगा, अदरवाइज इट्स वेरी पेनफुल। ठीक है, ट्रेफेनेशन कहते हैं, या ऊपर से सुराख कर दें या सामने से काट दें, मकसद एक ही है कि इस हेमाटोमा को रिलीव कर दें, इसका प्रेशर रिलीज कर दें। ये क्या है, ये एक बच्चा आ रहा है इस तरह का, बहुत छोटे छोटे नेल्स हैं, नेल बाइटिंग है। ठीक, पता चल जाता है नेल बाइटिंग में, इसका भी ये कि बच्चों को वो करें कि क्यों बाइट करते हैं, चिल्ड्रन बाइट नेल्स बिकॉज ऑफ एंजाइटी, फेयर, स्ट्रेस, वो उनकी निशानियाँ होती है। ठीक, बहुत से लोग इसी तरह बड़े हो जाते हैं, नाखून काट रहे होते हैं, तो इसमें ट्रीट द कॉज ऑफ दिस। ये एक आखिरी मेरा स्लाइड आ गई है, ये है, दिस इज क्लबिंग। ठीक, उंगलियाँ मोटी मोटी हो जाती हैं, क्लबिंग कभी केस आएगा तो आप क्या चीज़ सोचेंगे, लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज सोचिएगा, लंग के कैंसर है, मेसोथेलियोमा है,
ब्रोंकियेक्टेसिस है, साइनोटिक हार्ट डिजीज है और फेमिलियल, ये चंद चीजें होती हैं आप सोचते हैं ठीक। हार्ट डिजीज, कंजेंटल हार्ट डिजीज, लंग में ब्रोंकियेक्टेसिस, मीजोथेलियोमास या लंग कैंसर्स, क्रॉनिक लिवर डिजीज और या फेमिलियल होते हैं क्लबिंग्स ठीक। तो ये कुछ स्लाइडें हैं जो आपको दिखाई हैं। मकसद मेरा यही था कि पूरी डर्मा तो कवर नहीं होती, एक सीक्वेंस से हम जाएं। पहले हमने फेस को देखा, बल्कि अगर माइंड नहीं करते मैं चला लूं शुरू में ठीक है, मैं जाता हूं वापस पीछे। यहां से ना इसको एक मिनट में एंड शो करता हूं। एंड शो कहां आ रहा है, एंड शो ठीक है, एंड शो करके मैं पहली स्लाइड पे जाता हूँ, दोबारा चलाता हूँ ताकि एक दफे मैं दोबारा दिखा दूं ताकि आपको चीजें याद रहे ठीक है। ये ले दोबारा हो गए। सो वी स्टार्टेड विद द फेस लीजन व्हिच वाज एक्नी ठीक है, ये एक्नी था और इसमें हमने ब्लैक डॉट्स को देखा था, देवर ब्लैक हेड्स, कोमिडोज थे, इसमें नोड्यूल्स थे, पस्टूल्स थे और रेडनेस थी, इन्फ्लेमेशन है ठीक। ये एक्नी हमने डिस्कस किया था। सेकेंड लीजन वी डिस्कस्ड वाज रोजेशिया which is a sort of erythema on the face involving the bridge and this persistent erythema for 3 months, maybe small nodules or pustules ठीक। इसमें telangiectasia भी होते हैं and this lesion is sensitive to light and food and alcohol ठीक। फिर हमने डिस्कस किया था rhinophyma which is a complication of rosacea ठीक, और इस ये हम refer करते हैं। Then we discussed malar rash, a butterfly rash, officially, which is on the cheek and the nose. ठीक है, और ये this is slightly purplish, mild rash. ठीक है, and may be associated with other features of SLE. अगर वो नहीं है तो इस rash को हम कैसे treat करेंगे? With mild steroid, because ये आँखों के करीब है for some times. दूसरा हम इसमें hydroxychloroquine दे सकते हैं, ये settle हो जाता है और सूरज की किरणों से बचाएंगे because it is photosensitive. फिर हम टीनिया पीडिस को डिस्कस किया था, फंगल इन्फेक्शन है, उसमें भी डिस्कस कि इट मे नीड 6 weeks ऑफ टर्बिनाफिन और या क्या कहते हैं आइट्रोकोनाजोल और टॉपिकल भी इसमें लगाएंगे ठीक। देन वी डिस्कस रेडनेस ऑफ द बेस ऑफ द बिग टो व्हिच इज गाउट, विल ट्रीट द गाउट नॉट द स्किन कंडीशन। वी लुक एट एरिसिपेलास व्हिच वाज अ सुपरफिशियल सेलुलाइटिस एंड देयर वाज एन एंट्री पॉइंट इन दिस पंक्चर वुंड है ना, और इसके मार्जिन शार्प है, रेडनेस ज्यादा है और इसके मुकाबले में जो सेलुलाइटिस है उसकी रेडनेस कम है, मार्जिन ब्लर्ड है ठीक है। सो इट इज सेलुलाइटिस, बट ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस एम्पिटैगो हमने कहा सेम है, एंटीबायोटिक्स है ठीक है। एक टीनिया कैपेटिस की वैरायटी है किरियोन व्हिच इज स्पंजी बोगी पुरुलेंट फंगल इन्फेक्शंस ठीक है, और दूसरी वैरायटी जो कॉमन वैरायटी है उसमें छोटे छोटे एरियाज होते हैं। निशानी क्या है फंगस की, इट इज नॉट एट्रोफिक शाइनी स्किन, इट इज रफ स्किन एंड देयर आर हेयर स्टम्प्ड, टूटे हुए बाल के वो मौजूद होते हैं ठीक, और स्केल्स में भी प्रेजेंट। उसकी ट्रीटमेंट हमने देखी, अगेन इसमें टॉपिकल भी लगाएंगे, टॉपिकल स्टीरॉयड भी लगाएंगे ताकि स्कारिंग ना हो, ओरल एंटी फंगस देंगे, मे बी 4 weeks या वो 1 महीने तक हम खिलाएंगे। एलोपेशिया एरियाटा हमने देखा, इट इज एट्रोफी ऑफ द स्किन, टोटल हेयर लॉस, शाइनी एट्रोफिक स्किन, स्लाइटली डिप्रेस्ड, नो हेयर स्टम्प्स ठीक। तो इसमें हमने देखा ये कैसे ट्रीट करते हैं, हमने देखा इसको स्टीरॉयड लगा, ये टॉपिकल इंट्रालिजनल स्टीरॉयड, मिनोक्सिन ड्रॉप्स या जो देसी टोटका किसी चीज से भी इसको रोटेट करें, ये ठीक हो ही जाता है। देन वी डिस्कस्ड टीनिया इंटरट्रिगो विच लुक्ड लाइक टीनिया क्रूरिस और नैपी रैश, मैंने पहचाना कैसे, इसमें स्किन फोल्ड्स हैं, दे वर इन्वॉल्व, तो हमने कहा ये कैंडिडा है, प्लस ये छोटे छोटे सैटेलाइट लीजन थे, इसको हम कैंडिडा की तरह ट्रीट करेंगे। टीनिया क्रूरिस को हम टीनिया कॉर्पोरिस की तरह ट्रीट करेंगे विद ओरल ठीक है। डायपर रैश इज एन एक्जिमा ऑफ द डायपर, इसके मार्जिन बड़े शार्प होते हैं और स्किन फोल्ड्स आर स्पेयर्ड ठीक, तो इसको हम डायपर रैश की तरह ट्रीट करेंगे।
मॉइस्चराइजर लगाएंगे, खुला रखेंगे ताकि स्किन इसकी ठीक हो जाए। फिर टीनिया कॉर्पोरिस फॉर रिंग वॉर्म्स जो बॉडी पे थे, इसकी 2 वीक्स की एंटी फंगल होती है। जस्ट लाइक रिंग वॉर्म्स यर फ्लैट पैचेस थे जो सोराइसिस के थे। सोराइसिस में हमने डिस्कस किया कि देयर आर प्लाक्स, रेज्ड प्लाक्स, नो सेंट्रल क्लियरिंग, ठीक है, ताकि रिंग की शक्ल में नहीं होता। सिल्वरी स्केल्स है, उसको आप हटाएंगे तो पंक्टेट हेमरेज होती है, उसको कहते हैं ऑस्पिट साइन। फिर हमने देखा कि अनदर लीजन विच इज अपीयर सडनली और क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, लॉन्ग लीजन होते हैं, और एक बड़ा पैच पहले आ जाता है जिसको हेराल्ड पैच कहते हैं। तो इस बीमारी का नाम था पिट्रियासिस रोजिया। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, हमने कुछ नहीं करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है। देन वी सॉ अ वेरी सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन जिसको कहा था टीनिया वर्सिकुलर। इसको हमने देखा था कि हम इसको सुपरफिशियल सेलेनियम सल्फाइड यानी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से भी ट्रीट कर सकते हैं या टॉपिकल लोशन देंगे, ओरल की इतनी जरूरत नहीं आती, ठीक है। फिर हमने देखा कि ब्रेस्ट मैस्टाइटिस, इसको हमने सिंपल इन्फेक्शन के तौर पर ट्रीट किया था विद एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स। फिर हमने देखा ब्रेस्ट एब्सेस है, एब्सेस के अंदर इज एब्सेस सो दिस नीड्स ड्रेनेज, बाकी एंटीबायोटिक और पेन किलर उसी तरह लगेगी। मैस्टाइटिस हो या एब्सेस हो, ब्रेस्ट फीडिंग जारी रहेगी, एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क जारी रहेगी, ठीक है, और सपोर्टिंग ब्रास पहनाएंगे इनको, ठीक। फिर हमने देखा कैंसर की निशानी पीओडी ऑरेंज इन विच देयर इज अ डिंपलिंग ऑफ द स्किन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द निपल, ब्रेस्ट कैंसर है। फिर ब्रेस्ट के नीचे जो लीजन था दैट वाज अगेन कैंडिडा इंट्रिट्रिगो बिकॉज टू स्किन फोल्ड्स आर मीटिंग देयर एंड देयर इज वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी, उससे ये हुआ था। फिर इसी तरह से फिंगर्स के अंदर भी अगर वो बहुत गिर से थे, गीली रहे हैं, तो इंटरट्रिगो हो सकता है। सो वी ट्रीट दिस एज अ कैंडिडा इन्फेक्शन, कीप द एरिया ड्राई। फिर हमने एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखा था। फिर हमने ये डिस्कस किया कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस कैन बी फंगल और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, जिसमें B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, तीनों चीजें हमने देखी थी। सो हमने ये भी देखा कि हम इसमें कॉज को ट्रीट करेंगे, इसको इमोलियंट्स वगैरह लगा देंगे, एंटीफंगल लगा देंगे, दैट्स इनफ, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि म्यूकोकुटेनियस जंक्शन यानी स्किन और लिप्स और माउथ की जंक्शन पे देयर आर वेसिकल्स, स्कैटर्ड वेसिकल्स विदाउट एनी पैटर्न, तो ये प्राइमरी हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन है, और इसमें हम ओरल एंटीवायरल देंगे एसाइक्लोविर 200 mg 5 times a day फॉर 1 week। लेकिन जब ये हर्पीस सिंप्लेक्स रिकरेंट होगा उसमें एंटीफंगल नहीं देंगे, सिंपल या टॉपिकल एंटीफंगल होगा या इमोलियंट वेजलिन पोटोलियम जेल लगाएंगे, उसी से ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि अनदर स्किन लीजन जिसमें वेसिकल्स तो नहीं है बट देयर हनी कलर क्रस्ट, जो ड्राइड सिक्रीशंस है ये क्रस्ट होती है, खुश्क हो जाती है ना सिक्रीशंस, हनी कलर क्रस्ट है, इसका नाम था इम्पिटाइगो विच इज वेरी सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है। फिर हमने ये देखा एक और बीमारी होती है जिसमें थप्पड़ जैसे लगे और लाल हो जाते हैं गाल, इसका नाम था फिफ्थ डिजीज एरिडिमा इन्फेक्शियोजम या स्लैप चीक सिंड्रोम। इट्स अ वायरल कंडीशन, सेल्फ लिमिटिंग, नथिंग इज रिक्वायर्ड, सिंपल पैरासिटामोल एनर्जेटिक्स दे दें, खुद ही खत्म होती है। पोर्ट वाइनस्टेन इज कैपिलरी हेमेंजियोमा बाय बर्थ, ओनली नीड्स कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, नो अदर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। फिर कार्बनकल हमने देखा विच वॉज सॉर्ट ऑफ स्मॉल एब्सेस विद मल्टीपल ओपनिंग्स, फाइब्रस टिश्यू होता है, एंड वी नीड एंटीबायोटिक्स एंड इंसिजन एंड ड्रेनेज, देर मल्टीपल और बिग, तो वी एडमिट द पेशेंट, गिव आईवी एंटीबायोटिक, डू अ प्रॉपर डिब्राइमेंट, और डायबिटीज के लिए स्क्रीन करते हैं, ठीक। फिर हमें देखा एक थायमा वाज अ कंडीशन विच इज अ डीपर इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफ, तो उसमें क्या होता है, एक डिप्रेस्ड एरिया होता है जो क्रेटर होता है, मार्जिन आर रेड, आतिशफिशां के दाने के तरह, यानी क्रेटर ऑफ अ वोल्केनो उस तरह नजर आता है, ठीक। ये मल्टीपल होते हैं तो हम पहचान लेते हैं इन्फेक्शन है, अगर सिंगल हो तो वी थिंक ऑफ लेशमेनियासिस एज वेल, वी थिंक ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। बेसल सेल कार्सिनोमा, लेशमेनियासिस एक थायमाइड जैसे लगते हैं, ये चूंकि मल्टीपल होते हैं और एक्यूट हिस्ट्री होती है, यू कैन इजीली डायग्नोज एक थायमा। ट्रीटमेंट एक थायमा की वही है, सिंपल स्किन एंटीबायोटिक्स। एरिडिमा नोडोसम इज पेनफुल नोड्यूल्स, फ्लैट नोड्यूल्स, वेरी टेंडर, एसोसिएटेड विद आईबीडी, तो वी ट्रीट आईबीडी, इसके लिए हमें सिर्फ डाइक्लोफेनिक वगैरह और ठंडी सिकाई करनी पड़ती है इसकी। चिकन पॉक्स हमने देखा
चिकन पॉक्स का हमने कहा प्राइमरी कंप्लीट नहीं करेंगे अनलेस द पेशेंट इज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, अनलेस द पेशेंट इज अ प्रेग्नेंट वुमन, हम उन दो कंडीशंस में एसाक्लोविर देंगे, अदरवाइज नहीं हम ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। बट वी डिस्कस्ड कि इसका जो दूसरा जन्म होगा हर्पीस ज़ोस्टर, उसमें फिर हम एंटीबायोटिक्स देंगे और हाई डोज 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे एसाक्लोविर। ठीक है, वी डिस्कस्ड व्हाट्स, कि उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कॉटरी है, क्रायोथेरेपी है, ठीक, और कोई भी चीज इसको यूज कर सकते हैं, सर्जिकल है। देन वी डिस्कस स्केबीज एंड निशानी क्या थी, पूरी फैमिली में इचिंग हो रही है, इंटर डिजिटल स्पेसिस में भी है, रिस्ट पे भी हो सकती है, सॉफ्ट एरियाज में होती है, ठीक, और रात को खारिश बहुत होती है। सो इट वाज स्केबीज, तो हमने तफसील से इसकी ट्रीटमेंट भी डिस्कस की। बच्चों में सोल पे भी स्केबीज हो सकती है बिकॉज सोल इज वेरी सॉफ्ट। फिर हमने ट्रीटमेंट स्केबीज की डिटेल में डिस्कस की। देन अदर टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन विच इज मोलस्कम कंटीजियोजम, उसमें बिल्कुल राउंड खूबसूरत से होते हैं, सेंटर में एम्बिलिकस बना होता है या डिम्पलिंग होती है, इसकी ट्रीट सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन इसको हमने कहा किसी भी चीज़ से इसको तोड़ दें, चाहे टूथपिक से तोड़ें, चाहे सिल्वर नाइट्रेट से, चाहे कॉटरी से, चाहे ड्यू फिल्म से, किसी चीज़ से करें, ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, हमने एक्यूट पेरिनिकिया को डिस्कस किया था, विल गिव एंटीबायोटिक पेन किलर और इसको ड्रेन करेंगे। क्रॉनिक पेरिनिकिया को हमने डिस्कस किया, सो अगेन नेल फोल्ड का क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मे बी एलिमेंट ऑफ एक्जिमा, तो इसलिए इसको ट्रीट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी फंगल एंड स्टीरॉइड। ठीक, और इसमें अवॉइड करवाते हैं कि गीला ना रखे, खुश रखो, साबुन पानी सर्फ इन चीज़ें बचाएं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि सोराइसिस में नेल को क्या हो जाता है, नेल सामने से लाइसिस भी हो जाती है, वाइट एरिया आपने देख रहे हैं सर, फ्लैट हो जाते हैं, पिटिंग होती है, ठीक, तो इसमें टूटने का खतरा होता है, तो हम कहते हैं यार दस्ताने पहन लिया करो, एहतियात से काटो इसको, ठीक है, ताकि टूटे नहीं, कॉस्मेटिक रीजन पे नेल पॉलिश लगा लिया करो या नकली नेल्स नेल्स होती है ना आर्टिफिशियल, वो लगा लो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ओनिकोमाइकोसिस, हमने ये देखा कि दिस वेरी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, टॉपिकल इस पर इतना काम नहीं करती, ओरल देनी पड़ती लॉन्ग टाइम, 6 वीक्स 8 वीक्स तक देनी पड़ती है। ठीक, फिर हमने देखा सब एंगल हेमाटोमा है, इसको ड्रेन करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि जो नेल्स हैं, नेल बाइटिंग, इसको ज़रा हम स्टीरॉइड वगैरह कुछ लगा देंगे लेकिन ज़रूरत नहीं होती, ट्रीट द चाइल्ड, उसकी एनजाइटी को ट्रीट करें। ठीक, क्लबिंग हमने देखा, क्लबिंग में हमने कहा कि क्लबिंग हो इसको ना ट्रीट करो, कॉज ढूंढो क्यों है, मे बी वेल्वुलर हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक है, जो साइनोटिक हार्ट डिजीज वो है, लंग के कैंसर हैं, मीजोथीलियोमास हैं, ब्रोंकी एक्टेसिस है, या लिवर की क्रॉनिक लिवर डिजीज है, इसमें क्लबिंग होती है या फैबिलियल होता है। ठीक, तो दिस सो मेनी कंडीशंस वी डिस्कस्ड, सारी डर्मा तो नहीं हो सकती इसमें, लेकिन आप लेक्चर भी गौर से देख लीजिएगा, इसको मैंने रिवाइज भी करवा दिया, होपफुली कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, आज मैं थोड़ा तेज तेज भी बोला हूँ यार, वो इसलिए कि मैं जल्दी ख़त्म हो जाए ना ये, बस अभी इसके बाद में लेक कार्डियोवैस्कुलर रह गया, वो हो कर लूँगा ना इंशाल्लाह, तो मेरा तीनों वादे पूरे हो जाएंगे, तीन वादे किए थे ना लोगों से मैंने, एक ऐसे क्यों तीन पेपर कराने थे, डर्मा करानी थी और कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, तो इंशाल्लाह दुआ करें तीसरा वादा भी पूरा कर लूँ इसमें। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बस खत्म करते हैं, अपनी चाय पानी पी लेता हूँ।